हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है एक नई कड़ी में, एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ। दर्शकों, आम तौर से हम एक कहावत सुनते हैं कि मनी कैन नॉट बाय एनीथिंग, ये मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग व्हिच विल गिव यू हैप्पीनेस। तो अगर हम इसको हिंदी में रूपांतर करें कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, जब हम ये कहावत सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये जरूर किसी ऐसे बंदे ने मारी होगी जिसके पास खुद पैसे नहीं है, इसलिए हम आम तौर से इस कहावत को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। बट क्या हो अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में काफी अच्छे से करियर बनाया हो, काफी अच्छे से पैसे कमाए हो, और उन्हें सच में उस पैसे से कोई खुशी ना मिली हो, और उन्होंने अपना जीवन किसी और चीज में स्पेंड करके, डेडिकेट करके हैप्पीनेस पाई। तो आज के हमारे गेस्ट इसी चीज के एक बहुत उम्दा एग्जाम्पल है। आज के हमारे गेस्ट अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये बचपन से ही काफी स्पिरिचुअल फैमिली में इनका अपब्रिंगिंग हुआ। 2006 में ये इस्कॉन में आए। इनिशियली ये काफी एक्टिव रहे यूथ प्रीचिंग में। ये CA और MBA की पढ़ाई करने के साथ साथ जब भक्ति में आए तो 2012 और 2000 के दशक में इनकी मंथली सैलरी 2 लाख से ऊपर होती थी। जी हाँ, आज के तारीख में अगर किसी की मंथली सैलरी 2 लाख से ऊपर हो तो बहुत बड़ी बात होती है। उस दशक में 2 लाख से ऊपर सैलरी होना बहुत बड़ी बात होती थी। ये सब छोड़ के इन्होंने अपने जीवन को संपूर्णतः भक्ति को समर्पित किया। आज ये इस्कॉन अहमदाबाद के प्रेसिडेंट हैं और बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हैं प्रीचिंग के लिए और इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि घर घर तक भक्ति पहुंच सके और लोग इससे फायदा उठा सके। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा आज के हमारे गेस्ट का, कलाना चैतन्य दास जी का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, स्वागत है प्रभु जी आपका। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। तो प्रभु जी, मैं चाहूंगा कि हम इस सफर की शुरुआत करें और आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, कुछ बैकग्राउंड के बारे में बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए, अपने परवरिश के बारे में बताइए। हरे कृष्णा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल, ऑल्दो आई एम अनक्वालिफाइड, बट आपने हमें इस शो में बुलाया तो हम आप सभी हरे कृष्णा TV चैनल के जो भी है मेंबर्स, उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। तो मैं एक गुजराती फैमिली में बॉर्न हुआ, अहमदाबाद में ही मेरा जन्म हुआ है और अहमदाबाद में ही मेरा अपब्रिंगिंग हुआ है, मेरा एजुकेशन भी यहाँ हुआ है। मेरे फैमिली जो है वो काफ़ी नॉर्मल फैमिली से कनेक्टेड है, माय फादर माय मदर। एक्चुअली हमारे फैमिली के अंदर हमारे पिताजी वो पहले से काफ़ी भक्ति भाव वाले थे, वो रणछोड़ राय के भक्त थे। वो हर पूनम को रणछोड़ जी मंदिर डाको पैदल जाते थे और हर पूनम को हमारे लिए वहाँ से लड्डू का प्रसाद लाते थे, जिसको हम बहुत अच्छी तरह से खाते थे। और मेरी मदर भी पहले से भगवद गीता पढ़ती थी और वो खुद भी गीता के लेक्चर्स, प्रवचन वो आज भी वो देती है, पहले भी पढ़ती थी, देती थी, आज भी देती है। ऑल्दो माय मदर वाज नॉट दैट मच एजुकेटेड, उन्होंने खाली 12वीं कक्षा पास किया है, लेकिन बचपन से, क्योंकि गांव में उनको बहुत अच्छे संस्कार मिले थे उनके पिता के, कहा जाता है मेरे नाना के बारे में कि वो रणछोड़ राय के बहुत परम भक्त थे मेरे नाना जी। और गांव वाले बताते हैं कि भी जो वो हमारे जो लाडोल गांव है वहां के नरसिंह मेहता उनको बोला जाता था। तो मेरे नाना काफ़ी ऐसे स्पिरिचुअल थे और रणछोड़ राय के भक्त थे और वो टेलर थे, तो वो पहले से रणछोड़ राय के जो वस्त्र है, वागा बोलते हैं, वो बनाते थे। तो इस प्रकार से पहले से वो सेवा में जुड़े थे और मेरे माता पिता भी इस प्रकार से ही भगवान कृष्ण के पहले से भक्त थे। और बचपन में मेरे पिताजी ने एक हमारे कोई बुक डिस्ट्रीब्यूटर होंगे इस्कॉन के, तो उनको एक भगवद गीता दिया था, तो गीता पिताजी खरीद के लाए थे, घर पे रखा था। तो जब मैं छोटा था, 4th, 5th, 4th, 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, तब मैं कभी कभी गीता को खोल के ऐसे पढ़ता था। हाँ, इतना समझ में नहीं आता था उस समय, बट फिर भी कभी कभी भगवद गीता को खोलता था। और जब बचपन में जब थे हम, तभी से एक ऐसी लगाव हो चुका था भगवान श्री कृष्ण से, कि मन में ऐसा ही था कि जो भगवान जो है वो कृष्ण है,
कृष्ण के अलावा इस संसार में और कोई भगवान नहीं है। तो जब मैं छोटा था तब मैं हनुमान जी को बहुत मानता था, हर रोज एक घंटा हनुमान चालीसा करता था, शाम को जाता था 6 बजे और 7 बजे हनुमान जी के सामने बैठता था और हनुमान चालीसा करता था, और भगवान कृष्ण को मैं बहुत मानता था, और कभी कभी गीता पढ़ता था, और प्रभुपाद जी का गीता था तो महामंत्र आता था, तो महामंत्र मुझे उस समय याद नहीं रहता था, तो ऐसे टूटा फूटा महामंत्र कभी कभी मैं बोलता था। तो खास करके मेरे पिताजी जो है वो टेलर बिजनेस में हैं, वो टेलरिंग का बिजनेस करते थे, माता जो है वो हाउस वाइफ थी, बट उन्होंने बचपन से बहुत अच्छे संस्कार हमको दिए, वो काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से थे, उन्होंने काफ़ी खर्च करके मुझे पढ़ाया, MBA करवाया, उसके बाद मुझे CA भी करवाया, तो उन्होंने काफ़ी कुछ मेरे पीछे अपना जो मेहनत से कमाया जो धन था उन्होंने मेरे पीछे खर्च किया था, और मेरे पिताजी चाहते थे कि हमारी ज्ञाति में इतने पढ़े लिखे कम लोग होते, तो मेरे पिताजी बहुत चाहते थे कि मैं MBA बनूँ, मैं CA बनूँ, तो उसके बाद पिताजी की इच्छा थी और उन्होंने काफ़ी मेहनत करके पैसा भी खर्च किया मेरे पीछे, तो उसके बाद मैं MBA CA बना, और साथ में उनसे ही मुझे संस्कार मिले हैं भक्ति के, और ख़ास करके पिताजी मुझे कई अलग अलग संतों के पास भी ले जाते थे। जब मैं छोटा था तो एक गांव है पुंधरा करके, वहाँ एक हरिओम बाप जी का आश्रम है, वो आज भी वो बापू वहाँ पे है और काफ़ी अच्छी योगी हैं, तो आज भी पिताजी वहाँ जाते हैं, और बहुत अच्छे साधु थे, उन्होंने ही मुझे बचपन में हनुमान जी की भक्ति करने का प्रेरणा दिया था, और उन्होंने मुझे बोला था कि हनुमान जी का भक्ति करो, हनुमान चालीसा करो। फिर उसके बाद दूसरे एक गुरु थे, उनके पास भी पिताजी ले गए थे मुझे जब मैं 8 या 9 स्टैंडर्ड का था, तो वो भी काफ़ी बड़े चढ़े ऐसे योगी थे, तो उनके वहाँ पे भी पिताजी ले जाते थे, वहाँ पे ध्यान मेडिटेशन वगैरह करते थे वो खुद, और मुझे भी कभी कभी करवाते थे। तो इस प्रकार से बचपन से जो पिताजी है वो कृष्ण के भी भक्त थे, और ऐसे साधु संतों के साथ भी वो मिलते जुलते रहते थे, और हमारे घर में भी कई बार साधु संत आते जाते रहते थे, तो उसकी वजह से पहले से ही भगवान के अंदर एक आस्था उनकी वजह से, उनकी कृपा से, परिवार की वजह से हमें प्राप्त हुई, तो इस प्रकार से हम अब बड़े हुए हैं। अमेजिंग। तो दर्शकों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में कि अगर हम एक अर्ली एज से ये संस्कार पाए, भले ही हम इतना समझ ना पाते हो, भले ही हम भगवत गीता इत्यादि श्लोकों को, मंत्रों को इतना समझ ना पाते हो, बट अगर एक एम्फेसिस डाला जाता है, एक तरीके से अगर गीली मिट्टी ही ढाल सकती है किसी अच्छे शेप में, सूखी होने के बाद उसको नहीं डाला जा सकता, तो हमारा बचपन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमें वो संस्कार मिल जाए तो हमें लाइफ, पूरी लाइफ उस चीज़ का फायदा होता है, जैसे कि आज इतने सालों बाद भी इनको इस भक्ति का, इस संस्कार का फायदा हो रहा है। तो रुचि, आगे बढ़ते वक्त मैं चाहूँगा कि आप हमें ये बताइए कि आपका बैकग्राउंड पूर्णतः स्पिरिचुअल था, आप संतों के साथ, आपके पिताजी की कृपा थी कि वो संतों के साथ भी आपको संगति कराते थे, बट आपके जीवन में वो मोड़ कब आया जब आपने ये सोचा कि अब मुझे एकदम सीरियस होना है भक्ति के लिए, अब मुझे एकदम सीरियस होना है कृष्ण भक्ति के लिए? क्योंकि ये मानना कि कृष्ण भगवान है, चलिए अपने में बहुत बड़ी बात है, बट ऐसे लोग होते हैं जो ये समझ पाते हैं कि कृष्ण भगवान है पर वो भक्ति में इतना सीरियस नहीं होते, तो आपके जीवन में वो मोड़ कब आया जब आप अपने जीवन में आपने ये डिसाइड किया कि अब मुझे भक्ति के लिए एकदम सीरियस होना है? प्लीज हमारे दर्शकों को इसके बारे में कुछ। यस, एक्चुअली मैं थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को ढूंढ रहा था, मैं कई सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में जा चुका था पहले, जैसे हमारे यहाँ गुजरात में प्रोमिनेंट है स्वामीनारायण संस्था है, संत आसाराम बापू का आश्रम था, और कई सारे 3-4 और संतों के वहाँ पे भी मैं जाता था, तो लेकिन फिर भी मैं देखता था कि मुझे कृष्ण की भक्ति को प्रमोट करे, यानी भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राधान्य दे, ऐसी कोई जगह मुझे मिल नहीं रही थी। तो एक बार हमारे मित्र, जब जहाँ मैं वर्क कर रहा था, वो मुझे इस्कॉन के अंदर ले आए, इस्कॉन में एक गीता का कोर्स था, तो उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप आओ एक गीता का कोर्स अटेंड करो, तो फिर मैंने रजिस्टर करवाया और फिर मैं वो गीता के कोर्स में एनरोल हुआ। तो फिर जब मैं इस्कॉन मंदिर, यहाँ SG हाईवे दादा गोविंद धाम आया पहली बार अहमदाबाद के अंदर, जब मैं कार्य शुरू किया था मेरे CA के बाद तुरंत, तो
लेक्चर्स में तो इतना मुझे समझ में नहीं आ रहा था इनिशियली, बट यहाँ के जो भगवान थे वो बहुत सुंदर थे, राधा कृष्ण। और मैंने देखा कि सब लोग हरे कृष्ण करके नाच रहे हैं। और प्रवचन के अंदर भी भगवद गीता के ऊपर अगेन एंड अगेन एम्फेसाइज, भगवद गीता से श्लोक दिए जा रहे हैं, कृष्ण को सबसे महान व्यक्ति बताया जा रहा है कि कृष्ण ही सर्वेश्वर है, ऐसी चीज़ें मुझे सुनने को आई। तो मुझे उस समय लगा कि ये जो इस्कॉन संस्था है वो भगवान कृष्ण को ही मानती है और वो भगवान कृष्ण को ही भगवान प्रस्थापित करती है, ऐसा कहीं कहीं मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि मैं जो चीज़ ढूंढ रहा था वो चीज़ मुझे यहाँ पे शायद मिल सकती है। तो फिर मैं हमारा जो गीता कोर्स था, तो गीता कोर्स आया और ऑब्वियसली बहुत सुंदर प्रसाद, समोसा, गुलाब जामुन खिलाते थे, वो भी आनंद आता था। तो और ख़ास करके नाचने में कूदने में काफ़ी आनंद आता था महामंत्र के। तो मैं और एक मेरा एक मित्र है तो उसको भी मैं लेके आता था, तो हम दोनों आते थे, बहुत नाचते थे और बढ़िया से प्रसाद खा के जाते थे। हालांकि वो मेरा मित्र तो अभी नहीं रहा भक्ति में, बट उस दिन से मेरा भक्ति की शुरुआत हो गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम इस्कॉन में आने लगे, प्रोग्राम अटेंड करने लगे, बट फिर भी इतने सीरियस नहीं थे। लेकिन जो सीरियस की बात है, जब मैं थोड़ा भक्तों के संग में आगे आया तो मैराथन आ रहा था, मैराथन, गीता मैराथन। तो गीता मैराथन के समय पे इस्कॉन के अंदर काफ़ी अच्छा एक उत्साह होता है प्रभुपाद का पुस्तक वितरण करने का। तो मैंने देखा बहुत सारे भक्त बहुत उत्साहपूर्वक है ना पुस्तक वितरण कर रहे, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं भी कुछ भगवद गीता का वितरण करूँ। तो हमने एक स्कूल कॉलेज थी, स्कूल्स थे मेरे घर के पास में, तो हमारे एक वरिष्ठ भक्त को मैंने पूछा क्या मैं स्कूल में जाके बच्चों को गीता दे सकता हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ क्यों नहीं दे सकते। तो मेरे घर के बाजू में ही दो स्कूल थी, तो मैं पहली बार वो स्कूल में गया, प्रिंसिपल से मिला और उनसे बात किया कि हम ऐसे गीता का प्रवचन करेंगे और सबको थोड़ा डिस्काउंट में भगवद गीता देंगे। उसने हाँ बोल दिया। तो फिर मैं गया और हमने प्रोग्राम किया और करीबन मोर देन 100 भगवद गीता वितरण हो गई। तो मैं भी बहुत खुश हो गया और जो आए थे भक्त वो भी खुश हो गए, बोले एक साथ इतनी सारी गीता चली गई। तो वो हमारा एक टर्निंग पॉइंट था। तब उसके बाद मैं और जो हमारे वरिष्ठ भक्त जो आए थे उनको भी बहुत अच्छा लगा ये आइडिया स्कूलों का। तो फिर हमने स्कूलों के ऊपर फोकस करना चालू कर दिया और उसमें मैं थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ। और ऐसे करते 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 हमने स्कूलों में भगवद गीता का प्रचार शुरू किया और मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय मेरा स्कूलों में देने लगा। तो ऐसे एक साल किया, फिर दूसरे साल किया, बट जब मैं दो साल कर रहा था उसमें तीसरे साल मैंने देखा कि हम जब स्कूल में जाते थे तो बच्चे इतना उत्साहपूर्वक कीर्तन करते थे, गीता का अध्याय सुनते थे, भगवद गीता लेते थे उत्साहपूर्वक, प्रिंसिपल, टीचर्स वगैरह, क्योंकि स्पेशली गुजरात के अंदर जो गुजराती कल्चर में भगवान कृष्ण को हमेशा वेलकम किया जाता है, भगवद गीता को वेलकम किया जाता है और परमिशन बहुत आसानी से मिल जाता है हमें गुजरात के अंदर, एक कल्चर होता है। तो मैंने देखा कि इतनी सारी स्कूल है अहमदाबाद के अंदर, पूरे गुजरात के अंदर, और हम जॉब करते करते सुबह शाम एक दो स्कूल कर पाते थे। तो बहुत सारे स्कूल बच्चे रह जाते थे। तो एक साल ऐसा अनुभव हुआ, दूसरे साल अनुभव हुआ, लेकिन तीसरे साल फिर भगवान ने जो भी प्रेरणा दी हो, मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं मेरा जीवन इन बच्चों के लिए दे दूँ, भगवद गीता के प्रचार के लिए दे दूँ, है ना, तो मैं कितनी सारी स्कूल और कितने सारे बच्चों तक ये भगवद गीता का संदेश ले जा सकता हूँ। उसी समय हमने एक गीता चैंपियन लीग शुरू किया, यानी गीता के ऊपर एग्जाम लेना शुरू किया। तो उसके मैंने क्वेश्चंस वगैरह बनाए, भगवद गीता पढ़ा, उसके क्वेश्चन बनाए मैंने, उसके आंसर्स बनाए। तो मैंने पूरा एक बुकलेट बनाया भगवद गीता के ऊपर एग्जाम का। तो उसके ऊपर मैं काफ़ी समय देता था और फॉर्चुनेटली ऐसा था कि मेरे जो कंपनी के बॉस थे वो जैन थे लेकिन काफ़ी धार्मिक थे। तो जब वो देखते थे कि मैं ऑफिस में बैठे बैठे गीता का कार्य कर रहा हूँ तो वो कभी मुझे रोकते नहीं थे, ही नेवर स्टॉप मी। इवन आप मानेंगे कि नहीं, दिसंबर के अंदर जब भी दिसंबर महीना आता था तो वो मुझे सामने से बोलते थे कि अब तो दिसंबर आया है तो तुम 15-20 छुट्टियां तो जरूर लोगे।
यस बॉस। तो मेरे बॉस पहले से उनको मालूम पड़ जाता था कि अभी ये छुट्टी लेगा और गीता के प्रचार में जाएगा। तो जो मुख्य जो एक प्रचार का कार्य है पुस्तक वितरण का, बच्चों के अंदर गीता चैंपियन लीग ज्यादा से ज्यादा स्कूलों कॉलेजों में जाए, इस प्रोजेक्ट के लिए ही मुझे एक हृदय से ऐसी प्रेरणा हुई, भगवान ने मुझे कोई ऐसा संदेश दिया कि मैं अगर मेरे लिए करूँगा तो कितना करूँगा। अब मेरे पास पैसा, मैंने 8-10 साल बहुत 8 साल मैंने बहुत अच्छा जॉब किया, बहुत पैसा मिल रहा था, अब मेरा जीवन बहुत सिंपल सरल था। मैंने मेरे जीवन में कभी भी क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं किया, ना कभी लोन लिया है, ना कभी लोन पे कोई एक बाइक या गाड़ी भी खरीदे हैं। मैं कभी भी क्रेडिट नहीं यूज़ करता था, तो मेरा जीवन बहुत सिंपल सरल था। जितना लक्ष्मी आता है उतना खर्च करता था, उससे ज़्यादा मैं कभी खर्च करता नहीं था। तो कोई जीवन में परेशानी पैसे की नहीं थी। तो मैंने सोचा अब मेरे पास इतना पैसा है ना, कि उसके इंटरेस्ट में भी मैं आराम से एक सादा जीवन जी सकता हूँ, तो क्यों ना मेरा बाकी का समय पैसे कमाने की वजह मैं ये समय प्रचार में दूँ। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के अंदर जाके जो हमारी युवा पीढ़ी है ना, उसको हम भगवद गीता का ज्ञान संस्कार दे पाए। तो इस विचार ने सबसे पहले मुझे नौकरी छोड़ने के लिए इंस्पायर किया था, ये सबसे पहला मेरा ये थॉट आया था। उसके बाद कुछ समय के बाद 6-8 महीने के बाद मैंने मेरा जॉब में से रिजाइन करके फिर फुल टाइम हो गया था। तो मेन रीजन मेरा यही है प्रचार का स्कूल में बच्चों को। अमेजिंग। तो जैसा कि आपने कहा कि आपने 7-8 साल बहुत अच्छे से कार्य करके, बहुत अच्छे से जॉब करके आपने अच्छे से अपना एक इनकम बना लिया, कॉर्पस बना लिया जिसपे आप अपनी जीवन को व्यतीत कर पाए। तो कई बार जब हम भक्ति में आते हैं तो हमें ऐसी एक शंका रहती है कि अगर हम भक्ति में आएंगे तो हमारी जो कार्य करने की जो हमारी क्षमता है, हम उतने कार्यशील नहीं रहेंगे, वो जो पैशन रहता है हमारे अंदर काम करने का वो नहीं रहेगा, क्योंकि भक्ति हमें बना देते हैं। तो मैं चाहूंगा, क्योंकि 7-8 साल इतने अच्छे से कार्य करके अपना करियर भी बनाया, प्रचार भी किया, मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में कुछ बताइए कि भक्ति ने आपको कार्य करने के लिए किस तरह से मदद किया। एक्चुअली क्या था, यही चीज मुझे कई लोगों ने बताई, जैसे आप अभी प्रश्न पूछ रहे हो, तो मेरे परिवार वालों ने, मेरे इन लॉज ने भी मुझे ये चीज बताया, बोले कि आप इतना अच्छा पैसा कमा रहे हो और भी कमा सकते हो, है ना। क्योंकि मैं जब व्हेन आई वाज अर्निंग तब भी मैं ज्यादा समय नहीं देता था, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा ऑफिस आवर ऑफिस मेरा 10 घंटे चलता था, बट मैं कभी 6 घंटे से ज़्यादा ऑफिस में नहीं बैठता था, क्योंकि माई बॉस इज नो कि भी ये ज़्यादा काम नहीं करता है बिकॉज, लेकिन कृष्ण की कृपा से मेरा सब कार्य अपने आप हो जाता था। एक्चुअली कई बार हम देखते हैं कि हम कार्य कर रहे हैं बट हम कार्य नहीं करते। मेरे जीवन में मैंने देखा है मेरे मटीरियल वर्क भी भगवान संपन्न करते थे। जब मैं दिसंबर महीने में गीता का प्रचार करने के लिए छुट्टी लेता था, बाहर जाता था, तो उस महीने में मेरा परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा आता था बाकी के 11 महीनों में से। ये मैंने खुद रियलाइज़ किया है। तो इसकी वजह से मुझे इतनी श्रद्धा हो गई कि अगर हम हमारी सीट छोड़ते हैं, है ना, अगर हम हमारी सीट छोड़ के भगवान के लिए बाहर जाते हैं तो भगवान हमारी सीट के ऊपर आके हमारा कार्य करते हैं। तो ये अतुल श्रद्धा हमें होनी चाहिए और यही रियलाइजेशन मुझे हुआ। और कई लोगों ने बताया कि आप पैसा कमा के भी प्रचार कर सकते हो, गीता के प्रचार में पैसे की जरूरत रहती है वो दे सकते हो, लेकिन मैंने सोचा कि मैं पैसा कमाऊंगा तो क्या होता है, जब पैसा आता है तो व्यक्ति को क्या हो, लोभ लालच हो जाती है, फिर वो पैसा खर्च नहीं कर सकते प्रचार में। हम ऐसा सोचते हैं कि हम कार्य करते रहेंगे और भक्ति करते रहेंगे और कार्य के द्वारा जो इनकम आएंगी वो हम सेवा में लगाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। जब लक्ष्मी आता है तो हमारा मन परिवर्तन हो जाता है, हमें लालच आ जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा करते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाते। और जब मैंने देखा, कई लोगों ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब मैं हमारे कठवाड़ा फार्म में मैं गया था जहाँ हमको हमारे प्रभु जी ने हमको सेवा दिया वहाँ पे, तो मैंने देखा कि अगर 5 साल मैंने जॉब किया होता और मैंने जितना पैसा अर्न किया होता उससे 5 गुना तो पैसा मैं
बाहर से फंड रेजिंग करके ला दिए, लोगों को जाके मैं मिला, हमारे क्लाइंट थे, हमारे इम्पोर्टर एक्सपोर्टर से मेरा बिजनेस था, तो उनको मैं जाके मिलता था, तो वो लोग मुझे बहुत मदद करते थे गीता के लिए, उन्होंने मुझे मंदिर निर्माण के कार्य के लिए भी मदद किया। इतना पैसा मैं अर्न करके भी डोनेट नहीं कर पाता, तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसमें फुलफ्लेट लग जाऊंगा तो मैं बहुत कुछ कर पाऊंगा प्रभुपाद जी के मूवमेंट के लिए, अगर प्रभुपाद जी की कृपा हुई तो, अगर गुरु महाराज की कृपा हुई तो ये जो नियम है मैंने उस प्रकार से लिया कि अगर मैं कार्य करूंगा तो मुझे दो या एक दो तीन चार घंटे से ज्यादा समय नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं फुल टाइम होऊंगा तो मैं 18 घंटे 17 घंटे 18 घंटे भी मैं सेवा कर सकता हूँ और उसमें मैं ज़्यादा आउटपुट दे सकता हूँ। तो ये सोच के मैंने मेरे कार्य को एक रोक लगा दी और मैंने डिसीजन लिया कि मैं फुल टाइम ही सेवा करूँगा, चाहे मैं कितना भी मुझे पैसा मिल रहा है या आने वाले में मिलेगा उसका कोई मायने नहीं, उससे ज़्यादा मैं पैसा फंड रेस कर लूँगा। हाँ, क्योंकि मुझे इतना भगवान के ऊपर विश्वास था कि वो मेरा इतना सहयोग किए। आप मानेंगे कि नहीं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में एक मकसद नक्की करता है कि उसको भौतिक जीवन में इतना पैसा बनाना है कि इतना FD हो जाएगा, इतना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, घर हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगा, उसके बाद वो रिटायरमेंट ले सकता है। तो मैंने भी ऐसा सोचा था, मैंने सोचा था कि अगर मेरे जीवन के अंदर इतना पैसा बन जाएगा तो उसके बाद मैं छोड़ के मैं शांति से जीवन जीऊँगा, भगवान की सेवा करूँगा। तो मैं ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, ये चीज़ मैंने कभी किसी से नहीं बताई कि मैंने जो प्लान किया था कि मेरा जो स्टेटस है मटेरियल स्टेटस इतना हो जाए, तो मैंने प्लान किया था कि अराउंड 44 to 45 ईयर की जब मेरी एज होगी, मैं 45 ईयर का होऊंगा, तब तक मेरा ये प्लान सक्सेस हो जाएगा, उतना मेरा एक्यूमुलेशन हो जाएगा। लेकिन आप मानोगे नहीं, वो कार्य भगवान ने मुझे 45 ईयर तक जो मैं एक्यूमुलेशन कर सकता था वो काम भगवान ने मुझे 32 साल की उम्र में ही पूरा करके दे दिए। Wow. I joined my work first time at the age 24 और 8 साल के अंदर जो मैं सोच रहा था कि मैं जब 20 साल का मेरा कैरियर खत्म होने पे मैं इस जगह पे होऊंगा, वो भगवान ने मुझे 8 साल के अंदर ही संपन्न करके दे दिए। तो फिर मैंने सोचा कि अगर भगवान ने मेरी इच्छा 10 साल पहले 10-12 साल पहले पूरी कर दी है, तो अब भगवान चाहते हैं कि 10 साल मैं उनके लिए दूँ। अब ये 10 साल मेरे नहीं हैं, अब ये ठाकुर जी के। तो ये सोच के मैंने बहुत 6 महीना 1 साल तक काफ़ी मंथन चलता रहा माइंड के अंदर, बट फाइनली मैंने सोचा कि भगवान ने मुझे 10 साल पहले मेरा गोल अचीव करवा दिया है, तो अब मुझे भगवान के लिए कार्य करना होगा। तो और साथ में मुझे गीता का स्कूल का बच्चों का एक प्रोजेक्ट भी मुझे मिल रहा था और एक अठवाड़ा का प्रोजेक्ट भी फार्म का भी मुझे मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि भगवान की इच्छा है, तो फिर भगवान की कृपा होते माता पिता का आशीर्वाद लेके फिर मैंने, और उसमें खास करके मेरी धर्म पत्नी परम सिद्धि, उसने बहुत सहयोग किया, उसने कभी भी मुझे आज तक भी मुझे कभी भी रोका नहीं। अगर मैंने जॉब भी छोड़ा तो कभी भी उसने मुझे रोका नहीं, वो कभी भी पूछा नहीं कि हमारे भविष्य का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। ही नेवर शी नेवर आस्क मी, और उसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और हम मेरे साथ रही भक्ति के अंदर और मुझे में सपोर्ट करती आई। तो इस प्रकार से हमारा जो है जॉइनिंग सक्सेसफुल हो पाया ठाकुर जी की दया से। अमेजिंग। तो आम तौर से अगर हम देखें तो हर किसी के पास शायद इतनी हिम्मत नहीं रहती या ऐसे माहौल नहीं रहते कि वो अपना कार्य छोड़ के अपनी पूर्णतः से अपनी जीवन को समर्पित कर सकें भक्ति को। आप एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, एक बहुत अच्छे उदाहरण है। बट जो आज हमारे दर्शक इस शो को देख रहे हैं, जो अपने जीवन में आजकल इतने बिजी हैं काम करने के लिए कि भक्ति के लिए समय ही नहीं निकाल पाते, और जहां आप 8 साल तक जो CA का कार्य कर रहे थे तो भी आप अपने जीवन से समय निकाल पाते थे, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो मैनेज करें अपनी लाइफ को, कि आज जो अब उनकी लाइफ है जिसमें कि उन्हें आगे डिसाइड करना है कि भक्ति को किस तरह से समय देना है, वो आज कार्य करते हुए उसको अच्छे से जस्टिफाई कर सकें और सिर्फ इसी चीज में फंसे ना रह जाए। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को उस चीज के लिए थोड़ा गाइड कीजिए अपने अनुभव से। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें एक चीज बहुत महत्व की है, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं
भगवान की सेवा भक्ति में स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ू, तो व्यक्ति को अपना गोल फिक्स कर देना पड़ेगा, चाहे वो मटेरियल क्यों ना हो। उसको एक चीज फाइनल कर देनी पड़ेगी कि मुझे इस स्तर तक जाना है, अब उसके बाद मैं भगवान की सेवा में फुल टाइम लग जाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि भी जो हमारा ग्रीड होता है ना, तो वो कभी हम संतोष नहीं होता है। अगर हम आज 2 साल काम किए तो 2 साल के बाद हमको और लगेगा कि 4 साल और करें, 4 साल के बाद लगेगा और 8 साल करें, है ना। चाहे हमारे गोल संपन्न हो गए, तो सबसे पहले हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक मकसद नक्की कर लेना चाहिए कि भाई उसको कितना पैसा बनाना है, उसको क्या स्टेटस चाहिए। अगर वो स्टेटस एक बार जिस दिन अचीव हो जाता है ना, तो भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान जिस दिन मेरा ये स्टेटस अचीव हो जाएगा, मैं आपकी सेवा में फुल टाइम आ जाऊंगा, है ना, राइट। तो क्या होगा, भगवान आपको धीरे 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 धीरे, आपका अगर दृढ़ निश्चय है, संकल्प लिया है आपने, तो भगवान क्या करेंगे, आपका वो गोल जल्दी से पूर्ण करवा के आपको फुल टाइम भक्ति की सेवा में लगा देंगे या भक्ति में भी आगे बढ़ा देंगे। लेकिन क्या है, आज हम 50 साल के हो जाते हैं, 60 साल के हो जाते हैं, 70 साल के हो जाते हैं, घर परिवार सेट हो गया, बच्चे भी सेट हो गए, बच्चों के बच्चे सेट हो गए, बट उसका तो कोई सीमा ही नहीं है, है ना। तो हम फिर भी 50 साल 70 साल की उम्र में हम हमारे घर को, हमारी कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते, तो हमें कुछ लिमिट तो रखना पड़ेगा ना कि इस लिमिट पे मैं छोड़ दूंगा, है ना। तब भगवान रेसिप्रोकेशन करते हैं, भगवान रेसिप्रोकेशन, मेरे जीवन में यही हुआ है, आई हैव फिक्स माय लिमिट कि मुझे इतना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, और वो भी नेसेसरी, लग्जरी नहीं। आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड लग्जरी इन माई लाइफ। मैंने बोला इतना नेसेसरी चीज़ें हो जाएंगी, हाँ सफिशियंट है मेरे जीवन में, है ना, और भगवान मैं ये आपके लिए जीवन समर्पण कर दूंगा। तो भगवान ने मुझे 10 साल पहले फ्री कर दिए, तो मुझे 10 साल ज़्यादा मिल गए भगवान की सेवा करने। तो हर गृहस्थ को अपना, हर गृहस्थ को पैसा चाहिए, घर चाहिए, आई अंडरस्टैंड, बट एक लिमिट तो होनी चाहिए ना, है ना। अभी जैसे अगर आप 2 BHK में रह रहे हैं, तो फिर अहमदाबाद में 3 BHK भी बन रहा है, 4 BHK भी बन रहा है, तो आप 4 BHK में जाएंगे, फिर आपको मैं बंगला लूँ तो दूसरा बंगला लूँ, इन्वेस्टमेंट करूँ, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, है ना। तो कभी भी हम झूठ नहीं पाएंगे। तो एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, लिख दीजिए, दिस इज माई गोल, वंस दिस अचीव आई विल सरेंडर माई सेल्फ, दैट्स ऑल। और जिस दिन वो आ जाए, उसके दूसरे दिन हमको सरेंडर हो जाना चाहिए, तो हम आगे, और भगवान वो पूरा करेंगे, है ना। मैं हमेशा एक चीज पहले भी बताया, अभी भी बताता हूँ, हम हमारी सीट खाली करेंगे भगवान के लिए, तो भगवान हमारी सीट पे आके हाँ हमारा काम करेंगे, अगर हम खड़े होके उनका काम करने जाएंगे। तो ये विश्वास हमें भगवान के ऊपर होना चाहिए। अमेजिंग। तो आगे बढ़ते हुए मैं ये चाहूंगा कि जैसे कि हमने ये जाना कि आप यूथ प्रीचिंग में काफी एक्टिव हैं और आप यूथ को आपने काफी प्रीच किया। आज की तारीख में अगर हम देखें तो जो हमारी नई जनरेशन है, भक्ति के प्रति इतनी आकर्षित नहीं होती, वो काफी लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट फैशन, लेटेस्ट चीजों पे बहुत अट्रैक्ट होती है, भक्ति उन्हें काफी पुरानी लगती है। उनका ऐसा मानना है कि भक्ति में जितने भी हमारे तरीके हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये बहुत पुरानी हैं और बहुत पहले लिखी गई हैं। आज की इस प्रैक्टिकल लाइफ में भक्ति इज़ नॉट द सॉल्यूशन, ऐसा उनका मानना है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने अनुभव से हमें ये बताइए कि भक्ति एक नौजवान के लिए, एक यूथ के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और किस तरीके से उनको फ़ायदा कर सकती है प्रैक्टिकली उनके लाइफ में। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, युवाओं की जब बात करते हैं, तो जैसे आपने सही बताया कि भी काफ़ी कठिन है युवाओं को भक्ति मार्ग में लाना, बट अगर उनको लॉजिकली और रेशनली, साइंटिफिकली अगर समझाया जाए, तो मेरा ऐसा कहना है कि यूथ प्रीचिंग काफ़ी आसान है कॉन्ग्रीगेशन प्रीचिंग से। युवा लोग बहुत आसानी से इसके अंदर जुड़ जाते हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद कई बार उदाहरण दिए हैं कि जो जिस बोर्ड के ऊपर लिखा होता है, उसके ऊपर लिखना मुश्किल होता है, पहले उसको साफ करने की मेहनत करनी पड़ती है, फिर लिखना होता है। लेकिन जो युवा धन होता है, वो
प्लेन बोर्ड होता है, सीधा आप उसके ऊपर से लिख सकते हो, है कि नहीं? तो हमें युवाओं को प्रचार करना है तो साइंटिफिकली और लॉजिकली उनको समझाना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण रूप में मैं देता हूँ, जैसे हम कई बार युवाओं को समझाते हैं भाई आप माला जपो, एक माता एक पिता अपने बेटे को समझाता है माला जपो माला जपो, हाँ भगवान को अगरबत्ती अर्पण करो दिया अर्पण करो, बट हम वो नहीं समझाते कि भी क्यों माला जपना चाहिए, क्यों दिया अर्पण करना चाहिए, उसके पीछे का साइंस क्या है ना। अगर हम समझाए कि जब हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हो तो वो हमारे मन को कंट्रोल करता है, हमारी बुद्धि को फिक्साता है। हमारे बुद्धि के दो पोर्शन होते हैं, पावर ऑफ डिस्टिंक्शन यानी डिस्क्रिमिनेशन एंड पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, दो पोर्शन है बुद्धि के, भेदभाव करना और दूसरा दृढ़ संकल्प, भेदभाव के ऊपर चलना, सही क्या है गलत क्या है स्पिरिचुअल क्या है मटेरियल क्या है, राइट। तो पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और डिस्टिंक्शन हमारा बढ़ता है हम जिस प्रकार की किताबें पढ़ते हैं, हाँ जिस प्रकार के मित्रों के साथ रहते हैं, अकॉर्डिंगली हमारा डिस्क्रिमिनेशन पढ़ता है। अगर हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो हमारा डिस्क्रिमिनेशन अच्छा होता है, हम सही गलत में फर्क कर पाते हैं। लेकिन एक बार जानने के बाद ये चीज सही है, बट उसके ऊपर चलने के लिए हमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए, है कि नहीं? मुझे मालूम हो गया कि अब समय आ गया है कि मुझे भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, बट उसके ऊपर लगने के लिए हमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए, दृढ़ संकल्प। तो वो दृढ़ संकल्प हमारा कहाँ से आता है? जब भगवान का नाम का जप करते हैं, मंत्र मेडिटेशन करते हैं, है ना? तो उससे हमारा पावर ऑफ डिटर्मिनेशन बढ़ता है। तो इस प्रकार से सिस्टमेटिकली अगर स्टूडेंट को समझाया जाए, उनको प्रैक्टिस करवाया जाए, उनको एक्सपीरियंस करवाया जाए, तो मैं आपको बताता हूँ कि बहुत आसान है युवाओं को प्रचार करना, उनको भक्ति में जोड़ना और उनको ये चीज उनके पढ़ाई के अंदर और हर प्रकार के उनके फील्ड के अंदर ये बहुत ही यूजफुल होती है। तो युवाओं को जैसे मैंने पहले से ही मेरा यूथ प्रीचिंग में मेरा इंटरेस्ट रहा है, स्कूलों में जाता था कॉलेजेस में मैं जाता था उनसे मैं मिलता था। मैं सही बताता हूँ कि मुझे जो युवाओं के वो प्रचार में जो आनंद आता है वो कॉन्ग्रीगेशन में नहीं आता, क्योंकि क्या होता है कि भाई कॉन्ग्रीगेशन इज लाइक लोहा होता है ना, लोहे के ऊपर एक बार कार्च झंक लग जाता है तो जल्दी से नहीं चिपकता लोचुंबक से, हाँ। लेकिन जो युवा वर्ग होता है वो एकदम फ्रेश होते हैं, है ना, जहाँ लोचुंबक रहेगा तुरंत चिपक जाते हैं। हम देखते हैं श्री प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो उनके इनिशियल सभी शिष्य युवा थे, बिलो 30 ईयर ही थे, सब 30 साल के नीचे के थे, है ना, क्योंकि वो तुरंत इसको कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपना रहे थे। तो यूथ प्रीचिंग के अंदर अगर साइंटिफिकली रेशनली प्रीचिंग किया जाए लॉजिकली तो ये आसान है, मेरा ये मानना है। अमेजिंग। तो आगे बढ़ते हुए मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि इतना अनसर्टेनिटी का माहौल है, पहले हमारे जीवन में हमने कोविड सहा, अब कई देश आपस में लड़ रहे हैं, यहाँ पे अगर अपने देश में देखें तो इतने सारे संकट हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि भाई ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। हमारे पर्सनल जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम होती है, हमें तो शायद दो देशों से कुछ लेना देना ना हो बट शायद हमारे पर्सनल जीवन में ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो भक्ति हमें ऐसे डाउन टाइम से किस तरह से मदद करती है उभरने के लिए, क्योंकि हर किसी के जीवन में स्ट्रेस बहुत है, अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर है, कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा, जिसके जॉब है वो नहीं जानता कि आगे उसकी जॉब रहेगी कि नहीं, जो बिजनेस कर रहे हैं उनको नहीं पता कि बिजनेस आएगा कि नहीं, सब लोग डर रहे हैं कि भाई कोविड की एक नई वेव आ जाएगी या कहीं कोई लड़ाई कर लेगा देश, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, इतनी सारी अनसर्टेनिटी है, भक्ति हमें ऐसा क्या देती है जो इन सब चीजों से हम उभर सकते हैं? यस, तो जैसे आपने बताया एक्सटर्नल ये सब रीजंस है जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, और इसके अलावा कई सारी इंटरनल रीजन भी है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये है ना। जब तक व्यक्ति के अंदर ये सब चीजें शांत नहीं होंगी तब तक ये बाहर की चीजें शांत होना मुश्किल है। जैसे हम देखते हैं अन्ना हजारे
करप सिंह के लिए बहुत लड़े, लोकपाल बिल के लिए बहुत लड़े, लेकिन आज भी हिंदुस्तान से करप्शन नहीं गया, क्योंकि लोगों के हृदय से घृणा नहीं गई, है ना। इसलिए हमें चाहिए कि सभी के हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो जब भक्ति करते हैं, भक्ति मीन्स ABCD जब फॉलो करते हैं, भक्तों का संग, भगवद गीता जैसी किताब पढ़ना, चैंटिंग करना, प्रसाद लेना, भगवान की सेवा में लगना, तो ये सब पांचों जो चीज़ है वो हमारे अंदर रहे हुए काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य को नष्ट करती है, है ना, और हमारे हृदय को ट्रांसफॉर्म करती है कि नहीं। तो यही एक तरीका है। जैसे आज हम देख रहे हैं दो देश लड़ रहे हैं, है ना, तो एक दूसरे के क्रोध में आके लड़ रहे हैं, लोभ में आके लड़ रहे हैं, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हृदय से जब तक नहीं जाएंगी, तो ऐसी बात नहीं है कि कोरोना आज था, पहले ऐसी बीमारी नहीं आई, पहले कहीं ऐसी बीमारी आई, पहले आज तो भारत आज़ाद है, हिंदुस्तान आज़ाद है, पहले तो अंग्रेज आए, 200 साल अंग्रेज राज करके गए, उसके पहले 700 साल मुगल राज करके गए, है ना, हजारों साल से हम गुलामी में ही हैं, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ एक्सटर्नल तो चलती रहेंगी। भक्ति सिद्धांत सोरे ठाकुर प्रभुपाद जी को बताए, हाँ बोले ये सब बाउंड्रीज तो हमने बनाई हैं। प्रभुपाद जी ने बोला अभी देश आज़ाद नहीं हुआ, आप गीता का प्रचार करने की बात कर रहे हो, पहले देश को तो आज़ाद होने दीजिए। तो भक्ति सिद्धांत सोरे ठाकुर ने बताया कि ये सब बाह्य है, शारीरिक स्तर पर हमने ये सब कार्य कर रहा है ना। आत्मा का संबंध तो सभी से है ना, तो ये आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे हृदय के अंदर ये पांचों हमारे जो दुश्मन हैं वो नष्ट होते हैं, और इसी से रियल शांति पीस हमारे अंदर और बाहर की दुनिया में भी आती है, है ना। अगर व्यक्ति आज संसार में, आप सोचिए सभी लोग लोभी ही रहेंगे, कोई अच्छे, आज समझिए इस संसार में से संतों को निकाल दिया जाए, है ना, तो ये पृथ्वी का प्रलय तुरंत हो जाएगा। ये संतों के पुण्य की वजह से, उनकी प्रार्थनाओं की वजह से आज भी पृथ्वी इतने पापों को झेल रही है, वरना इतने पाप झेल नहीं सकती पृथ्वी, है कि नहीं। तो ये भक्ति ही एक माध्यम है जिसके द्वारा इस सबका सॉल्यूशन आ सकता है, बाकी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमेशा हम हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ते ही रहेंगे काश्मीर के टुकड़े के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक अपने प्रवचन में बताया था, हाँ, कि वी आर सिटिंग ऑन द डायमंड बट बैगिंग फॉर द पीस ऑफ ग्लासेस। हाँ, भगवद गीता जैसा महान ग्रंथ हमारे पास है डायमंड जैसा, और हम काश्मीर के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं। अगर चार पांच भक्ति वेदान इस हिंदुस्तान में खड़े हो जाए तो पूरे विश्व को हम हिंदुस्तान बना सकते हैं, काश्मीर के टुकड़े के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रभुपाद जी का हमारा उद्देश्य है, प्रभुपाद जी ने हमको दिया कि इतना शक्ति गीता भागवत हरे कृष्ण मंत्र के अंदर है। अमेजिंग। तो दर्शकों, हमें अपने जीवन में हमेशा यही लगता है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं ये भक्ति में, इन शास्त्रों में, इन सब चीज़ों में नहीं है, और इसी की वजह से हम इन सब चीज़ों से दूर भागते हैं। पर अगर हम अपने जीवन में उनको एक मौका देके देखें तो हम ये जानेंगे कि जो इतने पुराने शास्त्रों में जो चीज़ लिखी गई है उसका सिद्धांत आज भी वही है। जिस तरह से बड़ी खूबसूरती से प्रभु जी ने बताया कि हर चीज़ की प्रॉब्लम यही है कि हमें ग्रीड है, लोभ है, हमें गुस्सा आता है, और ये सारी चीज़ें पहले भी वही थी, आज भी वही हैं, क्योंकि पहले भी हम मनुष्य ऐसे ही होते थे और आज भी हम मनुष्य ऐसे ही हैं, बस लेबल बदल रहा है, प्रॉब्लम वही है। तो दर्शकों, अभी हम थोड़ी देर में बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर राउंड की तरफ, तो आप अपने प्रश्नों के साथ रेडी रहिए। तो प्रभु जी, मैं अंततः आपसे ये चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आज आप किस तरीके से इन्वॉल्व हैं प्रीचिंग में, क्या सेवाएं करते हैं आप, और किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। थैंक यू। अभी जैसे हमारे वरिष्ठ वैष्णव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मैं अभी इस्कॉन मंदिर, हमारे अहमदाबाद का बहुत सुंदर मंदिर है जिसका निर्माण हमारे परम पूज्य जसोमती नंदन प्रभु जी ने किया था। तो प्रभु जी हमारे शिक्षा गुरु है, और प्रभु जी के कोरोना में शरीर छोड़ने के बाद वो जिम्मेदारी प्रेसिडेंट की मुझे यहाँ पे हमारे इस्कॉन की अथॉरिटी ने दिया है। तो आज मैं यहाँ पे पूरे इस्कॉन मंदिर अहमदाबाद के अंदर एज अ प्रेसिडेंट मेरी सेवा को दे रहा हूँ।
सेकंड इस्कॉन मंदिर हमारा एक कठवाड़ा में फार्म है जहाँ पे 275 काउ है। तो जहाँ पे मैं आज से 7 साल पहले, 6.5-7 साल पहले मैं वहाँ शिफ्ट हुआ था, अहमदाबाद में रहता था, कठवाड़ा शिफ्ट हुआ था, फार्म में ही रहता था, वो भी हमारे प्रभु जी के गाइडेंस के अंदर। मैंने वहाँ पे 5-6 साल से हम सेवा करते रहे। आई एम शिफ्टेड विथ माई फैमिली एंड सम ऑफ अवर ब्रह्मचारीज, जो इनिशियल स्तर में कई युवाओं ने मुझे मदद किया, वो सभी ब्रह्मचारियों की मदद से हमने वहाँ पे एक सुंदर सा जगन्नाथ जी और गौर निताई का एक सुंदर सा मंदिर बनाया है, गेस्ट हाउस बनाया है, वहाँ पे गार्डन्स है और 275 गायों का एक सुंदर गौशाला है, 70 acres लैंड्स है। और ये लैंड जो है श्री प्रभुपाद जी को 1974 में डोनेशन में मिला था प्रभुपाद जी को, और प्रभुपाद जी ने वो यहाँ पे जसोमती नंदन प्रभु को दिया था डेवलप करने के लिए, और जसोमती नंदन प्रभु ने वो सेवा मुझे दिया था कठवाड़ा में। तो पिछले 7 साल से वो प्रोजेक्ट मैं देख रहा हूँ। आज वहाँ पे मंदिर है, गौशाला है, बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, कॉन्ग्रीगेशन यूथ टीचिंग सब होता है, तो उसके अंदर भी मैं इन्वॉल्व हूँ मैनेजमेंट वगैरह में। और हमारा एक छोटा सा सेंटर है जो प्रभु जी के जाने के बाद भूज के अंदर है, तो वो वहाँ पे भी हमको 5-6 acres लैंड बहुत अच्छी जगह पे मिली है, वहाँ पे एक सेंटर हम रन कर रहे हैं, उसका भी जो इंचार्ज है वो उसकी सेवा मैं दे रहा हूँ। तो ये 3 मुख्य मंदिरों का जो है सेवा अभी मैं निभा रहा हूँ यहाँ पे अहमदाबाद में विद द हेल्प ऑफ माई टीम। हमारे जो यहाँ के अहमदाबाद के भक्त काफ़ी सहयोगी है, तो सबकी मदद से ये सब सेवा कर रहे हैं। और इंडिविजुअल लेवल पे मैं यूथ प्रीचिंग कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज में लेक्चर्स देता हूँ, और स्कूल वगैरह में जाता हूँ, फंड रेजिंग के लिए जाता हूँ, टेंपल मैनेजमेंट, तो ये सब जो भी कार्य रहते हैं एज अ प्रेसिडेंट करने होते हैं, तो सभी कार्यों को हमें देखना पड़ता है, फेस्टिवल्स एंड एवरीथिंग। तो इस प्रकार से मेरा अभी स्पिरिचुअल जर्नी धीरे धीरे आप सभी वैष्णव की कृपा से आगे बढ़ रहे हैं। अमेजिंग, हम ये प्रार्थना करेंगे कि इसी तरीके से आप इस सेवा में लगे रहें और लोगों को प्रेरणा देते रहें भक्ति में आने की। तो अब हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर राउंड की तरफ। दर्शकों, अब समय है कि आप अपने प्रश्न लाइव हमारे शो में पूछ सकते हैं। मैं आप सबसे विनती करूंगा कि आप इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि इस लाइव क्वेश्चन आंसर का राउंड का सेशन का फायदा वो भी उठा सके। तो हम बढ़ेंगे हमारे पहले प्रश्न की तरफ जो कि हमारे ऑडियंस की तरफ से आ रहा है। साहिल अहुजा जी की तरफ से पूछते हैं कि डिवोटीज एसोसिएशन कैसे लाएं अपनी लाइफ में अगर हम नहीं जा पा रहे हैं इस्कॉन। बहुत अच्छा प्रश्न है। आजकल सबका यही प्रॉब्लम है कि बड़े शहरों में ट्रैफिक इतना है, जा नहीं पाते हैं और या कम जा पाते हैं। तो सबसे पहले हमें अगर भक्तों का संग करना है तो हमें श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तकों को मंदिर से ले आना चाहिए और हर रोज उसको पढ़ना चाहिए। जब हम प्रभुपाद जी का पुस्तक पढ़ते हैं तो हम सीधा ही प्रभुपाद जी का संग प्राप्त करते हैं। सेकंड, हम कई अभी कोरोना के बाद तो सब जूम ऑनलाइन सब चलने लगा है, तो आप ऑनलाइन भी भक्तों का संग प्राप्त कर सकते हैं आपके बिजी व्यस्त शेड्यूल के अंदर। अमेजिंग, तो बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है रीमा तिवारी जी की तरफ से, पूछते हैं कि कभी कभी भक्ति बहुत अच्छी होती है, सेवरल सेवा करते समय बहुत इमोशनल भी हो जाती हूं, लेकिन भक्ति उतनी अच्छी से नहीं हो पाती, ऐसा क्यों होता है? इसमें हमारे हमको भाव है, जैसे मैंने अभी अभी जैसे आपको बताया कि हमारे अंदर डिस्टिंक्शन है, हमें मालूम है हमें भक्ति करना चाहिए। जब हम भक्ति करते हैं तो भाव भी प्रकट होता है, बट वो भक्ति लॉन्ग टर्म नहीं चलती। उसके पीछे का कारण है संकल्प शक्ति, हमारी जो संकल्प शक्ति है वो कमज़ोर है। तो जब हम ध्यानपूर्वक हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, जब महामंत्र कानों के द्वारा हमारे हृदय में जाता है, तो क्या होता है, हमारी संकल्प शक्ति को वो बढ़ाता है। और इस संसार में मंत्र मेडिटेशन के अलावा संकल्प शक्ति को बढ़ाने का और कोई इलाज नहीं है। दिस इज द ओनली वन
मेडिकेशन अवेलेबल फॉर टू मेक योर संकल्प शक्ति स्ट्रॉन्ग। और संकल्प शक्ति बढ़ेगी तो आप जो करना चाहते हैं उसके ऊपर आप आगे बढ़ पाएंगे। अमेजिंग। तो बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सुहानी जोशी जी की तरफ से, पूछती कि मेरी मम्मी तिलक को शो ऑफ समझती हैं, प्लीज गाइड। तो बात कभी 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 बताते थे कि साधना शुड बी विजिबल, कुछ भी कभी कभी दिखाना चाहिए। देखिए चलिए मान लिया जाए शो ऑफ है, हमें भी कई बार बोलते हैं एक कंठी माला दिखाने का, माला लटका के घूमने का, लेकिन हमने देखा है कि जब हम बाहर जाते हैं कंठी माला तिलक होती है तो लोग हमें देख के तुरंत बोलते हैं क्या हरे कृष्णा जय श्री कृष्णा, तुरंत बोलते हैं, है कि नहीं, है ना। तो जब हम तिलक वैष्णव तिलक धारण करते हैं तो सामने वाले को कृष्ण का स्मरण होता है ना। तो इससे अच्छी बात क्या होगी, है ना। चाहे फिर कोई शो ऑफ समझे, कोई बात नहीं, शो ऑफ तो शो ऑफ है ना। अगर आप सोचिए कि भाई माता है ना कुमकुम लगाती है ना, आपकी मम्मी लगाती होंगी साथिया ऐसे कुमकुम लगाती होती, तो क्या वो सोफ है? नहीं, वो अपने पति के लंबी उम्र के लिए लगाती है कि नहीं। हम ये दो चरण, विष्णु के दो चरण, उसके ऊपर तुलसी पत्र रखा हुआ है, वो हमारे मस्तिष्क पे भगवान के चरण धारण करते हैं, तो दिस इज नॉट शो ऑफ, है ना। शो ऑफ नहीं, ये हमारा कल्चर है। आप 50-100 साल या 200 साल पहले देख लीजिए, हाँ, हर घर के अंदर घर से बाहर जाने से पहले व्यक्ति तिलक लगा के ही बाहर जाता था। हमारी भारतीय संस्कृति है, ऐसा नहीं है कि कोई नई संस्कृति है। शो ऑफ तो आजकल हम देखते हैं वो शो ऑफ है ना, कि आजकल जो फैशन है, कपड़े पहनने के जो सिस्टम है, ये सब शो ऑफ है, सब दिखावा हो रहा है। ये तो हम भगवान को हमारे मस्तिष्क पे धारण करते हैं, तो दिस इज वेरी ऑस्पिशियस, ये तो पवित्र चीज है, ये तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। अमेजिंग। आजकल ऐसा हो गया कि जो हमारे पौराणिक जो हमारे कल्चर हैं, क्योंकि हम उसे फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे परिवार में कोई भी उसे फॉलो नहीं करता, तो जब हम उसे फॉलो करने लगते हैं तो वो एक नई चीज़ शो ऑफ लगती है। बट एक्चुअली ये नॉर्मल था, आज ये लोगों को ऑड लगता है, ये सब नॉर्मल था पहले करना, पहले इन सब के बारे में कोई नहीं बोलता था। अगर हम धीरे धीरे अपने जीवन में इसको नॉर्मल बनाने लगेंगे तो सब लोगों के लिए नॉर्मल रहेगा। जिस तरह से अगर आप तिलक लगा के मंदिर में आएंगे, जब सब तिलक लगाते हैं, किसी को सब आनंद लेते हैं एक दूसरे में उस तिलक को देख के, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने जीवन में जो चीज़ सही है उसे ऑड बनाने से अच्छा नॉर्मल बनाएं और उसे किसी के भी विचारों के ऊपर छोड़ ना दें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि हम उसे अपने जीवन में जो सही है उसे ज़रूर फॉलो करें और दृढ़ निश्चय से उस पर डटे रहें। तो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, राहुल पाटिल जी की तरफ से पूछते हैं कि क्या अन्य धर्म अपने भगवान के बारे में गलत है, क्या हरे कृष्णा परम सत्य है? बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। कोई भी धर्म जो होता है, कोई भी धर्म होता है वो गलत नहीं होता है, लेकिन वो उसके स्तर, उसका लेवल अलग अलग होता है, अकॉर्डिंग टू ऑडियंस उसको पिरसा जाता है। जैसे हम देखते हैं कि कुरान जब कही गई, है ना, कुरान जब कही गई तो उसके सामने जो ऑडियंस बैठी थी वो उस प्रकार की थी, लेकिन जब भगवद गीता कही गई तो भगवान ने सीधा आत्मा से ही उसका कहना शुरू किया, क्योंकि सामने अर्जुन था जो धर्मराज युधिष्ठिर का भाई था, है कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू ऑडियंस, अकॉर्डिंग टू डाइजेस्ट, सामने वाला कैसे डाइजेस्ट कर सकता है, उस प्रकार से हर धर्म हर चीज़ सिखाती है। तो कोई भी धर्म गलत नहीं होता है, लेकिन उसके स्तर अलग अलग होते हैं, कोई लेवल 1 में, 2 है, 3 है। जैसा मैं अहमदाबाद से दिल्ली जा रहा हूँ तो अहमदाबाद स्टेशन पर भी मैं हो सकता हूँ, कुछ लोग बड़ौदा भी हो सकते हैं, कुछ आगे कोई जयपुर भी हो सकता है, कोई दिल्ली भी पहुंचा है, बट हम सब जा रहे हैं एक ही रास्ते पे। तो हर धर्म हमें कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ ही सिखाता है और वो भगवान की तरफ ही हमें ले जाता है, भगवान से, भगवान के प्रेम और भगवान की सेवा की तरफ ही ले जाता है। तो कोई भी धर्म गलत नहीं होता है, है ना, लेकिन उसका लेवल अलग अलग होता है। तो हमें डिसाइड करना है कि हमको किस स्तर के अंदर एंट्री करना है कि नहीं।
जैसे आप देखते हैं कि भाई जीसस क्राइस्ट ने आत्मा के बारे में बताया ही नहीं कुछ इतना खास, मोहम्मद पैगंबर में नहीं बताया, लेकिन जब गीता में भगवान शुरू करते हैं तो आत्मा के बारे में ही सबसे पहले बताते हैं, है ना, क्योंकि अर्जुन वो डाइजेस्ट कर सकता था। अगर वो मोहम्मद पैगंबर और जीसस क्राइस्ट ऐसी ऑडियंस थी उनको बताते आत्मा के बारे में तो वो इतना डाइजेस्ट नहीं कर सकते थे, तो ज़्यादा उनको एक्सप्लेन नहीं किया, बताया जीसस क्राइस्ट ने क्लियरली बताया, बताने के लिए और बहुत कुछ है लेकिन आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे इसलिए मैं आपको नहीं बताता। और भगवान गीता में बताते हैं, हे अर्जुन मैंने जो आपको ज्ञान दिया अब इससे ऊपर कोई ज्ञान है ही नहीं, मैंने आपको परम सत्य सब कुछ बता दिया, राइट। तो बोथ आर सेम, है ना, बट वो क्या है अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ द ऑडियंस उसको थोड़ा हल्का बताया जाता है। तो हर एक धर्म के अंदर आप जहाँ पे भी जाए तो अच्छे संस्कार ही हमें मिलते हैं, तो हमें कोई भी धर्म की आलोचना नहीं करनी चाहिए, हाँ, बट उसको इस तरीके से हमको देख के हमें उसका सिलेक्शन करना चाहिए। और प्रभुपाद हमेशा कहा करते थे कि सही धर्म वो होता है जो हमें भगवान से प्रेम करना सिखाता है, और अगर हम वो प्रेम सीख सकें जो भी धर्म हम फॉलो कर रहे हैं तो वो हम सही राह पे हैं। तो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वीना तिलोकवनी जी की तरफ से। ये पूछते हैं कि मेरे हस्बैंड भक्ति में नहीं है और वो भी मुझे नहीं भक्ति में रोकते हैं, क्या करूं? तो इनके हस्बैंड भक्ति में नहीं है और इनको भी भक्ति करने से रोकते हैं, तो इनको क्या करना चाहिए? इनको रोकते हैं सो ऑब्वियसली स्त्री के लिए एक महत्व का धर्म होता है कि उसके पति को फॉलो करना, बट जब पति उसको धर्म में आगे जाने से के लिए रुकावट है तो उनको रिस्पेक्ट देके उनको भक्ति तो चालू रखना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए हमें, है कि नहीं। लेकिन साइमल्टेनियसली ये भी बहुत जरूरी है कि एक स्त्री अपने पति को खुश करके ही आगे बढ़े, क्योंकि ये हमारा वैदिक कल्चर है, है ना। तो आप जैसे एक ट्रिक यूज़ कर सकती है, जैसे भी खाना तो आप ही बनाती है तो वो भगवान को भोग लगा दीजिए और आपके पति को प्रसाद ही खिलाइए, तो चाहे भले वो भक्ति नहीं करेंगे, वो माला नहीं करेंगे, गीता नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन प्रसाद तो खाएंगे। तो ऐसे कुछ समय तक अगर आप प्रसाद खिलाएंगे उनको, हाँ, तो आप देखना कुछ समय के बाद उनके अंदर परिवर्तन शुरू हो जाएगा, फिर बाद में वो धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाएंगे और आपको भी भक्ति करने देंगे और वो भी करेंगे। तो प्रभुपाद जी जब गए थे अमेरिका में तो वहाँ के लोग इतना गीता भागवत समझ नहीं सकते थे, कौन कृष्ण कौन राम दे, ये तो उनके मीन्स सब्जेक्ट मैटर भी कुछ नहीं था, कभी सुना ही नहीं था। तो शुरुआत में इन हिप्पियों को प्रभुपाद जी क्या करते, अपने हाथों से समोसा गुलाब जामुन बढ़िया संडे फिश बना के खुद कुकिंग करते, प्रभुपाद खुद अपने हाथ से खिलाते थे, तो प्रसाद खाते थे तो उनका शुद्धिकरण होता था। तो प्रसाद सबसे बड़ा जो आपके हाथ में जो हथियार है, किसी भी माता के हाथ में वो प्रसाद होता है। अगर माता घर में प्रसाद भोग लगा के प्रसाद सबको खिलाए और अपने बच्चों को भी खिलाए तो उनके बच्चों के अंदर भी क्या होगा, धीरे धीरे भक्ति का उदय हो जाएगा, है ना। और इसमें आपको कोई अपराध भी नहीं लगेगा और आप ये छुप छुप के भी कर सकते हैं, इट्स ऑफ इसके अंदर कोई गलत चीज भी नहीं है। अमेजिंग। तो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है रेखा शर्मा जी की तरफ से। पूछते हैं कि कभी पूजा में मन लगता है कभी नहीं लगता, ऐसा क्यों होता है? तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मन लगे या ना लगे लेकिन हमें पूजा करनी चाहिए, मन लगे या नहीं लगे हमें भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा मन भगवान के अंदर लग जाएगा। वी हैव टू ट्राई, दैट्स ऑल। तो जब भी एक बहुत प्यारा एग्जांपल मैंने सुना है कि जब भी अगर आप किसी स्पोर्ट में, जैसे एक तीर अंदाजी का आर्चरी का एक स्पोर्ट होता है, तो उसमें कई बार हम बहुत सारे तीर मारते हैं और वो निशाने पे नहीं लगता,
बट कई बार प्रैक्टिस करने के बाद, क्वांटिटी की प्रैक्टिस करने के बाद एक तीर की क्वालिटी मिल जाती है। तो हमें भी अपने जीवन में क्वांटिटी पे ध्यान देना है कि किस तरीके से हम अपने जीवन में कुछ समय, एक कंसिडरेबल समय भक्ति को दे सकें। एक दिन जरूर आएगा जब हमें इस चीज में बहुत अच्छे से मन भी लगेगा और वो एक तीर लगेगा निशाने पे, भक्ति में आनंद आएगा। तो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गौरांग शर्मा जी की तरफ से, पूछते हैं कि हरिनाम संकीर्तन में रुचि कैसे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे पास अभी समय कम है क्योंकि हम बिजनेस करते हैं, इसलिए तो ये चाहते हैं, ये बिजनेस करते हैं और ये हरिनाम संकीर्तन में अपना रुचि किस तरह से बढ़ाएं, ये जानना चाहते हैं। हरिनाम संकीर्तन में रुचि जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं कि इस कलयुग का जो युग धर्म है वो हरिनाम संकीर्तन है, फिर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो वो स्वयं खुद हरिनाम संकीर्तन में जाते थे। वो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को भेजते थे, बलराम जी को भेजते थे, आप जाओ घर घर और हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करो, है कि नहीं? तो सोचिए भगवान स्वयं जाते थे, है ना? तो जब आप चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथों को पढ़ेंगे और उसके अंदर भगवान की ये जो दैनिक क्रियाओं को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा भगवान के उपदेशों को, कि भगवान स्वयं संकीर्तन करते थे, है ना? और हमें उपदेश भी देते हैं, हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव न गति अन्यथा, कि भगवान का नाम का जप कीर्तन और संकीर्तन करना चाहिए। तो हमारा फेथ इसके अंदर बढ़ जाएगा, हमें इच्छा प्रकट होगी, और जब व्यक्ति के अंदर इच्छा प्रकट होती है तो भगवान उसको वो इच्छा को पूर्ण करने के लिए, चाहे हम कितने भी बिजी व्यक्ति नहीं हो, कितने भी बड़े बिजनेसमैन क्यों नहीं हो, लेकिन हम हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान सुविधा कर देते हैं। हमें कैसे भी हमारा समय निकल जाएगा, लेकिन हमारी स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए हरिनाम संकीर्तन करने की, तब जाके हमारे सब आने वाले रास्ते क्लियर हो सकते हैं। तो आप शास्त्रों को पढ़िए, उपदेश सुनिए, आपको मालूम पड़ेगा कि भगवान खुद संकीर्तन में जाते थे, है ना? और हमें उपदेश देते हैं कि आप लोग भी जाइए। प्रभुपाद के कोट पढ़िए, प्रभुपाद बता देते हरिनाम संकीर्तन इज देन लाइफ एंड सोल ऑफ अवर इस्कॉन मोमेंट, ये हमारा लाइफ एंड सोल है। तो हरिनाम संकीर्तन हमको, हमें हमारे गुरु जो है प्रभुपाद जी वो बताते हैं ये करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी के लेटर, कन्वर्सेशन, पुस्तक पढ़िए, है ना? तो आपका फेथ बढ़ जाएगा और फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा, आप समय निकाल लेंगे इंटेलिजेंटली, है कि नहीं? तो जब एक स्त्री और पुरुष एक प्रेम रिलेशन में होते हैं तो हमेशा एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, उसको क्या अच्छा लगता है, इसको क्या अच्छा लगता है ये जानते हैं, एक दूसरे को खुश करना चाहते हैं, और यही करते 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 वो अपना एक रिलेशनशिप बहुत अच्छे से बनाते हैं और एक प्रेम की गहराई में जाते हैं। उसी तरीके से अगर हमें भगवान के साथ भी एक रिलेशन सेट करना है तो उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, हम भक्तों के साथ रहें और उनके ग्रंथों का अध्ययन करें, जिससे कि उनके साथ जो हमारा संबंध है हम इसे स्थापित कर सके, तब इन सारी चीज़ों में हमें रुचि आएगी। जिस तरीके से हम जिसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहते उसमें हमें कोई रुचि नहीं रहती क्योंकि हम उसमें कोई एफर्ट नहीं डालते, इसी प्रकार से अगर हम भगवान के ग्रंथों में थोड़ा एफर्ट नहीं डालेंगे तो रुचि धीरे धीरे कम हो जाती है। और प्रभुपाद भी ये कहा करते थे कि अगर आप मेरे ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो एक दिन आप भगवान का नाम लेना भी बंद कर देंगे। प्रभुपाद ने स्वयं कहा है दैट इफ़ यू डोंट रीड माई बुक्स वन डे यू विल स्टॉप चैंटिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते रहे तो हमें हरिनाम करने में, हरिनाम संकीर्तन करने में, चैंटिंग करने में बहुत आस्वादन आएंगे। तो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अशोक वैष्णव जी की तरफ से, पूछते हैं कि भक्ति में माया रोके तो कैसे पता लगेगा कि माया रोक रही है? भक्ति में जो कोई भी रुकावट आती है वो सब माया ही है वो जानने की जरूरत नहीं है कि माया है क्या कोई और। एवरीथिंग प्रभुपाद बताते थे कि अगर आप कृष्ण की सेवा में लगे हैं तो अच्छी बात है, अगर कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे
तो कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे तो आप क्या कर रहे हैं, माया की सेवा कर रहे हैं। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, आइदर सर्व कृष्ण और माया। तो कृष्ण की सेवा में नहीं है तो माया की सेवा में, वेरी सिंपल। तो अगर जहां पे भी रुकावट आई तो समझना चाहिए ये माया है, माया फिर वो है। माया कोई भी फॉर्म में आ सकती है, हमारे परिवार के फॉर्म में भी आ सकती है, मित्रों के फॉर्म में भी आ सकती है, एक्सटर्नल इंटरनल रूप में भी आ सकती है। जैसे प्रभु जी ने भी पूछा, कोरोना के द्वारा भी माया आ सकती है और युद्ध के द्वारा भी माया आ सकती है, पर हमें कहीं पे भी रुकना नहीं है, कृष्ण की सेवा में, है ना। अमेजिंग। तो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है राहुल पाटिल जी की तरफ से, पूछते हैं कि क्या प्रार्थना करना जरूरी है, क्या होगा अगर मैं भगवान के नाम की प्रार्थना या जप नहीं करता। जैसे आप नहीं करेंगे भगवान की प्रार्थना या भगवान का जप, तो भगवान से आप संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत ही आपकी नहीं हो पाएगी। आध्यात्मिक जीवन के तीन मुख्य सिद्धांत है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध को स्थापित करने के लिए हमें भगवान के नाम का सहारा लेना पड़ता है, हमें भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है, हे कृष्ण आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ, कृपा करके आप मुझे आपकी सेवा में लगाइए। जब हम ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं और भगवान के नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, हमारा संबंध स्थापित हो जाता है। उसके बाद भक्ति की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ती है और अल्टीमेटली हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, भगवान का धाम, और जहाँ जाने से हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बच सकते हैं। तो ये बहुत ही प्राइमरी स्टेज है। प्रहलाद महाराज बताते थे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, भगवान की कथा सुनना होगा और भगवान का नाम का कीर्तन करना होगा, प्रार्थना करना, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, ये सब कीर्तन है, ये भक्ति की विधिया है। दिस इज द प्रोसेस, इस प्रोसेस के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड क्लियर किए बिना, हाँ 12th स्टैंडर्ड किए बिना कोई इंजीनियर डॉक्टर डायरेक्ट नहीं बन सकते। आपको सीनियर केजी जूनियर केजी हायर सेकेंडरी सेकेंडरी ये सब क्लियर करने पड़ेंगे, अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब आपको एडमिशन मिलेगा, है ना। एडमिशन मिला फिर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, हाँ प्रयोजन करेंगे, मेहनत करेंगे, परीक्षाएं पास करेंगे, उसके बाद लास्ट में आपको प्रयोजन इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त होती है। उसी प्रकार भगवान की जो प्रार्थना है, भगवान का नाम जप है, वो एक प्रोसेस है जिसको हम स्किप नहीं कर सकते, है ना। अगर हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप छोड़ देंगे तो आपका स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना मुश्किल है। तो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है शिंजे भौमिक जी की तरफ से, पूछते हैं कि अगर मन में कोई कोई चीज चल रही है तो कैसे समझे कि ये मन की चाल है या परमात्मा का निर्देश है। बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारा कोई भी विचार हमें तीन जगह से चेक करना चाहिए, साधु, गुरु और शास्त्र। अगर हमारा विचार साधु की वाणी से, गुरु के वचनों से और शास्त्रों के आदेशों से मिलता है तो वो भगवान की प्रेरणा है, और गुरु साधु शास्त्र से हमारा ये मिलता नहीं है, हमारा विचार है ना उसके विपरीत है, तो समझना चाहिए ये माया का विचार है। थैंक यू। अमेजिंग। बहुत सिंपल है इस चीज को टेस्ट करना। अगर हम गुरु साधु और शास्त्र से हर अपने विचार को पास करके आगे बढ़ेंगे तो हम हमेशा भगवान के ही प्रेरणा से अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो कई बार हमारे जब मन में हम कुछ सोचते हैं और हमें मन से वो आवाज़ आती है कि ये गलत है, और हम शास्त्र में भी देखते हैं कि ये गलत है, गुरु भी बोल रहा है कि गलत है, और हमें इसका जब प्रूफ मिल सकता है तो हमें वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पर प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार हम उन चीज़ों को इग्नोर करके वो गलत चीज़ करते हैं
और थोड़ा उसका परिणाम सही नहीं होता। तो हमें इस लिटमस टेस्ट से बढ़ते हुए हर चीज को आंकलन करके ही आगे बढ़ना चाहिए। तो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डिवोशन में जैन जी की तरफ से। पूछते हैं कि राधा रानी जी का नाम कृष्णा जी के नाम से पहले क्यों लेते हैं? तो ये हमारा क्या है कि ये अच्छा कल्चर है ना कि स्त्री का नाम पहले दिया जाता है। सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, आप देखें जितने भी भगवान हैं, हाँ, तो शक्ति को पहले लिया जाता है, उसके बाद शक्तिमान आते हैं। तो इसके बारे में मुझे कोई इतना ना कोई फिलोसॉफिकल आंसर तो नहीं मालूम है, बट अगर हमें कृष्ण के पास जाना है तो एक चीज़ तो नक्की है कि वो हमें सिर्फ राधा रानी ही ले जा सकती है। बिना राधा रानी की कृपा के हम कृष्ण के पास नहीं जा सकते, ये बहुत कठिन है, क्योंकि राधा रानी का जो हृदय है वो बहुत कोमल है। जब वो देखती है कि कोई व्यक्ति कृष्ण की भक्ति कर रहा है तो वो तुरंत उसके ऊपर दया कर देती है और भगवान को रिकमेंडेशन दे देती है, बोले ये आपका बहुत अच्छा भक्त है, इसको स्वीकार कर लीजिए। तो कृष्ण नहीं चाहते हुए भी उसको स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए अगर हम राधा रानी को हमेशा पहले आगे रखेंगे तो कृष्ण को प्रसन्न करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए राधा रानी का भाव लेके चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए नवदीप धाम मायापुर के अंदर, और उन्होंने क्या किया जो उस, इसलिए नमो महावदन्याय, हाँ, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु नमो महावदन्याय, जिन्होंने बहुत उदारता से ये हरे कृष्ण महामंत्र और कृष्ण प्रेम लोगों को बांटा, क्योंकि वो थे कृष्ण लेकिन भाव किसका था? श्रीमती राधा रानी का। राधा रानी का भाव था इसलिए उदार थे। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल एंड गुड फॉर अस टू चैंट नेम ऑफ राधा बिफोर कृष्ण। हरे कृष्ण का मतलब भी है क्या? हरे मीन्स राधा रानी, जय श्री कृष्ण, जय श्री मीन्स लक्ष्मी, उसके बाद ही कृष्ण आते हैं। तो दिस इज गुड। तो शक्ति के बाद ही शक्तिमान आते हैं, और शक्ति हमेशा पहले ही आती है, और राधा रानी शक्ति हैं, उसके बाद ही शक्तिमान का नाम लिया जा सकता है। अमेजिंग। तो बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जयदीप पाई जी की तरफ से। पूछते हैं कि हम अहंकार आने से खुद को कैसे रोकें? बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी आपका, कि जो अहंकार जो है वो तब आता है व्यक्ति को जब वो शारीरिक स्तर पर होता है, जब वो ऐसा समझता है कि ये मैं हूँ और ये मेरा है ना, कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं CA हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। हाँ, तो जब व्यक्ति ये जो जितने भी डेजिग्नेशन हैं है ना, ये सब डेजिग्नेशन हमारे शरीर को लगते हैं, हमारी आत्मा को नहीं लगते। जब ये आत्मा शरीर को छोड़ती है तो हमारा शरीर और हमारे डेजिग्नेशन वहाँ पे रह जाते हैं और आत्मा अकेले जाती है। इसलिए हमारे गुजरात के एक संत है नरसिंह मेहता, वो एक बहुत सुंदर बताते थे कि आपका आपके ढोल रह जाएंगे घमांड में, सोना रह जाएगा जमीन में, पत्नी रह जाएगी द्वार पे, स्वजन रह जाएंगे श्मशान में, और शरीर रह जाएगा छिता पे, लेकिन धर्म के मार्ग में आगे तो हमें अकेले आत्मा को ही जाना होता है। तो सब कुछ यहाँ पे रह जाता है क्योंकि ये सब कुछ शरीर से कनेक्टेड है कि नहीं? तो जब हमारे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं, तो तुरंत ही हर प्रकार के हमारे जो अहंकार है वो नष्ट हो जाते हैं। ये अहंकार हमारा दो प्रकार का शरीर होता है, एक शरीर जो पंच महाभूतों से बना है, पृथ्वी, जड़, अग्नि, आकाश, वायु, जिसको हम देख सकते हैं। दूसरा शरीर सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म शरीर के तीन आस्पेक्ट है, मन, बुद्धि और अहंकार, राइट, जो सटल बॉडी है हमारा, है ना, जो आत्मा के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। और तीसरा जो बॉडी हमारा है वो आत्मा है सच्चिदानंद, दैट इज अवर रियल आइडेंटिटी। तो जब हम आत्मा के स्तर पर आ जाते हैं तो हम ये शारीरिक और सूक्ष्म शरीर के बंधन से छूट जाते हैं, और ऑटोमेटिकली अहंकार,
और ये काम क्रोध सब चला जाता है अगर हम आत्मा के स्तर पर कार्य करते हैं। जब हम समझते हैं ममे वांसेव जी लोके जीव भूत सनातन, ये सभी जीव जो है वो भगवान के अंश है और मैं भी भगवान का अंश हूँ, उस नाते ये सभी मेरे सभी भगवान के अंश है। तो कृष्ण को सेंटर में रख के जब देखा जाता है तो हमें कभी भी अहंकार नहीं आएगा कि मैं ऐसा हूँ, मैं हूँ ऐसे वाला हूँ, जो भी प्रकार का अहंकार सब नष्ट हो जाता है। तो आत्मा के स्तर पर हमें जाने का प्रयास करना चाहिए। इन नट्स है अमेजिंग। तो बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है शानी व्यास जी की तरफ से, पूछते कि माया इज पोटेंसी ऑफ कृष्णा, देन व्हाई डस माया ट्राइज टू स्टॉप अस फ्रॉम कृष्ण भक्ति। तो जानना चाहते हैं कि माया भी कृष्णा से ही आती है, तो माया हमें कृष्ण के पास जाने से, कृष्ण भक्ति करने से रोकती क्यों है? बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। माया हमें रोकती नहीं है, माया हमें कृष्ण के पास बहुत अच्छी तरीके से ले जाती है। कैसे? माया जैसे एक चीज समझिए, अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर की मैं डॉक्टरी में एडमिशन लेता है, मेडिकल में, अगर सोचिए उसकी डॉक्टर के 4 या 5 साल के अंदर कोई एग्ज़ाम ही नहीं हो, बिना एग्ज़ाम के वो पास हो जाए, तो वो कैसा डॉक्टर बनेगा? कच्चा डॉक्टर बनेगा, है क्या नहीं? उसी तरह भक्ति के अंदर भी है ना, अगर परीक्षाएं नहीं आएंगी तो हम कच्चे भक्त रह जाएंगे, पक्के भक्त नहीं बनेंगे। तो माया जो है, माया वो रोकती नहीं है, माया हमारी परीक्षाएं लेती है। अगर वो परीक्षा में हम उत्तीर्ण होते हैं तो हम और पक्के भक्त बन के भगवान के पास आगे जा सकते हैं। नो पूरा एकदम साइनिंग हो जाता है, जैसे हीरे को घिसा जाता है, तो माया हमको घिसती है अच्छी तरह से, ताकि हम अच्छी तरह से चमक सके है ना, और भगवान की सेवा में लग सके। तो पक्का भक्त बनाती है माया। इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती है, हे कृष्ण आप मुझे दुख दीजिए, है ना, क्योंकि दुख में हम आपको हमेशा स्मरण करते हैं, है ना, भगवान को याद करते हैं, है ना। तो माया तो आने दीजिए, जितना भी माया को ऑब्स्टेकल लाने दीजिए, उतने और अच्छे भक्त बनेंगे और हमारा संकल्प शक्ति एनहांस होगा, है कि नहीं? थैंक यू। तो एक बहुत अच्छी कहावत है कि हमारे जीवन में माया रूपी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमें ये नहीं भगवान को बताना चाहिए कि हमारे पास कितनी प्रॉब्लम्स हैं, हमें प्रॉब्लम्स को ये बताना चाहिए कि हमारे पास हमारे भगवान है। तो जब हम ये एटीट्यूड से हम अपने जीवन में हर मुश्किलों को देखेंगे, तो हम ये जानेंगे कि वो सारी मुश्किलें जो हमारे पास आई थी वो एक स्टेपिंग स्टोन बन जाती हैं, जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी भक्ति में और अपने जीवन में प्रगति कर सकते हैं। तो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हर्ष रावल जी की तरफ से, पूछते हैं कि व्हाट इज वर्क ऑफ बुद्धि इंटेलिजेंस अदर देन डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसीजन अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स। तो ये जानना चाहते हैं कि बुद्धि का डिस्क्रिमिनेशन और डिसीजन के ये दो कार्य करने के अलावा और क्या कार्य होते हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार? बुद्धि के दो ही ये मुख्य कार्य होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करना और डिस्क्रिमिनेशन करने के बाद सही रास्ते पे आगे चलना, है ना। जब जितना हमारा बुद्धि तीक्ष्ण रहेगा उतना ही हम अच्छी तरह से भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। भक्ति में नहीं, जीवन में कोई भी कार्य अगर आपको करना है तो हमें बुद्धि ही जो है वो मुख्य कार्य करती है, है ना, इंटेलिजेंस। तो बुद्धि का यही दो मुख्य पोर्शन है, डिटर्मिनेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसके अलावा तो आई डोंट नो इफ समथिंग इज देयर। तो आप अपने जीवन में जब भी कुछ, जहां पे भी आप अपनी बुद्धि यूज करेंगे, आप यही पाएंगे या तो आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं या तो आप एक डिसीजन ले रहे हैं। इन दो कार्यों के अलावा आप किसी और चीज के लिए बुद्धि यूज नहीं करते। तो आप सोचिए, खुद ही सोचिए कि अगर आप किसी भी चीज के बारे में सोच भी रहे हैं तो आप सही और गलत के अंदर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, और जब आप सही को अपनाते हैं तो आप ये डिसीजन ले रहे हैं कि ये सही है, अब मैं इसमें आगे बढ़ूंगा। तो हम हर स्तर पे रोज हजारों डिसीजन और हजारों डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, बस उसे अच्छे से करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी बुद्धि को भक्ति में लगाएं, ताकि वो बुद्धि अच्छी हो
और हम अपने डिसीजंस और डिस्क्रिमिनेशंस अच्छी तरह से कर सकें, कि आज की तारीख में हमारी बुद्धि अच्छी नहीं है और इसकी वजह से हम ना ही डिसीजन सही ले पा रहे हैं ना ही डिस्क्रिमिनेशन सही तरीके से कर पा रहे हैं, वही हमारा बेड़ा गर्क हो जाता है। तो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है तिलक एम जी की तरफ से, पूछते कि व्हाई कृष्णा डिवोटीज डोंट गो फॉर रथ यात्रा ऑन रोड एवरी डे बट प्रभुपाद यूज्ड टू सेंड द डिवोटीज सो पीपल कुड बी इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये जानना चाहते हैं कि जैसे पहले संकीर्तन निकाला, संकीर्तन पार्टी जाया करती थी रोज, वैसे आजकल क्यों लोग रोज जाते नहीं है, रथ यात्रा नहीं निकालते रोज जैसे प्रभुपाद पहले भेजा करते थे ताकि लोग उनको देख के भक्ति में और इंटरेस्टेड हो। ऐसा भी नहीं है, जैसे हमारे अहमदाबाद के अंदर अभी 14 संकीर्तन पार्टी चल रही है और उसमें से 5 संकीर्तन पार्टी डेली हरिनाम संकीर्तन में बाहर जाती है। अभी हमारी एक ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी है, वो राजस्थान के अंदर प्रचार कर रही है सुबह शाम दोनों समय। राइट नाउ इट इज़ अ 47 डिग्री, 47-46 चल रहा है अहमदाबाद और राजस्थान में, और दो दिन पहले तो 48 भी टच हो गया था। तो ब्रह्मचारी जाते हैं, गृहस्थ जाते हैं, अहमदाबाद में टोटल 14-15 संकीर्तन पार्टीज है, है ना। और कई संकीर्तन पार्टी वीक में दो दिन भी जाती है, गृहस्थ होते हैं इतना समय नहीं पल पाता है तो हफ्ते में दो दिन जाती है, कोई हफ्ते में तीन दिन जाती है, कोई हफ्ते में एक दिन जाती है। तो मैनी डिवोटीज आर गोइंग ऑन द स्ट्रीट राइट नाउ एज वेल, ऐसा नहीं है नहीं जाते हैं। हाँ, कई जगह पे कुछ मंदिरों के अंदर हम देखते हैं, कुछ सेंटर के अंदर भक्तों के अभाव की वजह से ये संकीर्तन पार्टीज इतना नहीं हो पाता है, तो दैट इज ड्यू टू लैक ऑफ डिवोटी एंड इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लीडर्स कि उस मंदिर के संचालक और सेंटर्स का क्या प्रायोरिटीज है उस संस्था का। तो हर मंदिर का एक प्रायोरिटीज होता है, तो प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंगली कार्य करते हैं। बट आपका एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि हाँ, प्रभुपाद के समय में भक्त लोग ज़्यादातर 14-14 घंटे तक, ज़्यादा नहीं 14-14 घंटे तक हरिनाम संकीर्तन करते थे। बट टू बी फ्रेंकली स्पीकिंग दैट इज द सिचुएशन ऑफ द वेस्ट, जहाँ पे बहुत ठंड रहता था, इतना गर्मी नहीं था। बट इंडिया इज द वेरी हॉट प्लेस, यहाँ पे 14 घंटा हरिनाम संकीर्तन करना प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है। सम डे वी कैन डू फ्यू डेज, बट एवरी डे 10 घंटा 12 घंटा संकीर्तन करना बिकॉज अ हॉट प्लेस। तो जियोग्राफिकली भी देखा जाए तो थोड़ा हमें थोड़ा सिचुएशन को देख के ये संकीर्तन पार्टीज ना, जैसे आज भी हमारी संकीर्तन पार्टीज है वो सुबह करती है, रात को करती, शाम को करती है, दिन में 8-10 घंटा होते हैं लेकिन वो नहीं कर पाती है बिकॉज ऑफ वेरी हॉट सिचुएशन। तो दीज आर प्रैक्टिकल्स चीज़ें हमको ध्यान में रखना पड़ता है। बट मैं अग्री हूँ आपकी बात से कि हर मंदिर का कम से कम एक संकीर्तन पार्टी तो डेली संकीर्तन पार्टी होना ही चाहिए, है ना, क्योंकि यही प्रभुपाद जी का हमारा ओरिजिनल मूवमेंट था और इसी से हमारा मूवमेंट आगे बढ़ सकता है। ये चैतन्य महाप्रभु का था। हम गाते हैं उदिलो अरुण पूर्व भागे द्विजमणि गौरा अमनी जागे, तो चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं जब उदिल अरुण सूर्य प्रकट होता था तुरंत ही भक्त समूह लैया साथे गेला नगर ब्राजे, तो नगर में जाके वो क्या करते थे, हरिनाम संकीर्तन करते थे एवरी डे। तो इट्स ट्रूली सेड प्रभु जी, आपने जो बताया सही बताया कि भक्तों को हर रोज संकीर्तन में जाना चाहिए, है ना। मैं भी यही चीज़ को मानता हूँ और प्रमोट करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। अमेजिंग। तो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ब्रिजेश अग्रवाल जी की तरफ से, पूछते हैं कि हम कैसे भगवान को सारे दिन रात याद रखें जब सांसारिक काम में होते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। यस, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि जो सांसारिक कार्य है वो हम हमारे बलबूते के ऊपर कर रहे हैं, इसलिए भगवान को भूल जाते हैं। जब हम सोचना शुरू कर देंगे कि हमारे जो सांसारिक कार्य भी है वो कृष्ण की कृपा के बिना संपन्न नहीं हो सकते, तो कभी हम कृष्ण को भूल नहीं पाएंगे। एक बार नारद जी गए थे ब्रज में, एक गोपी ध्यान धर रही थी,
तो नारद ने बोला, अरे गोपी ब्रज में, और वो भी ध्यान? तो चौंक गए, ये तो सब योगियों का है, जंगलों में ध्यान धरना चाहिए, ब्रज में भगवान कृष्ण है और आप ध्यान धर रहे हो? तो बोले कि उसी के लिए तो ध्यान धर रही हूँ। तो बोले कि कृष्ण को याद करने के लिए? कि नहीं, कृष्ण को भुलाने के लिए, कि वो इतना भगवान मेरे है कि मैं खाना पकाती हूँ तो वही वही याद आते हैं, तो रसोई में लोचा हो जाता है, गड़बड़ी हो जाती है, ना बच्चे को, ना पति को, ना सास को, ना ससुर को, किसी की मैं अच्छी सेवा नहीं कर पाती, क्योंकि मेरा मन हमेशा कृष्ण में लगा होता है। तो मैं इसलिए ध्यान कर रही हूँ कि मैं कृष्ण को कुछ समय के लिए भुला पाऊँ, है ना। तो इस प्रकार का हमारा भी कॉन्सेंट्रेशन हमें गोपियों के उस उदाहरण से सीखना चाहिए, कि कैसे वो दिन रात भगवान की सेवा, अपने दैनिक कार्य करते करते भी भगवान को स्मरण किया करती थी। तो हमेशा ऐसा सोचिए कि हमारे सांसारिक कार्य भी जो है वो भगवान के अलावा संपन्न होना मुश्किल है। Amazing. तो हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं, अगर हम उसको भगवान को की गई सेवा की तरह करेंगे, भले ही वो देखने मात्र से भगवान की सेवा ना लगे, पर अगर वो कार्य करते वक्त भगवान को याद रख रहे हैं और भगवान को अच्छी श्रद्धा के साथ वो कार्य को समर्पित कर रहे हैं, तो वो भक्ति ही कहलाई जाती है। हर समय भगवान को याद करने का मतलब भगवान की पूजा अर्चना या एक फिजिकल तरीके से पूजा अर्चना करना जरूरी नहीं होता। अगर आप भगवान के बारे में सोचकर अपना ऑफिस का भी काम करेंगे तो वो भी भक्ति है। याद रखिए, अर्जुन ने भगवान का नाम स्मरण करके, भगवान की आज्ञा मान के युद्ध किया था, और भगवान ने उसको भी भक्ति कहा है। तो अगर युद्ध भक्ति मानी जा सकती है भगवान का स्मरण करके, हम तो तब भी काफी छोटे मोटे कार्य ही करते हैं अपने जीवन में, बस उसमें अगर हम भगवान को स्मरण करें तो वो भी भक्ति कहलाई जाएगी। तो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है लीना दास जी की तरफ से। पूछेंगे, क्या हरे कृष्ण महामंत्र जप करने पर बैड कर्मा कम होते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र जप करने पर हमारे बुरे कर्म के फल और उसका बीज सब नष्ट हो जाता है, इतना शक्ति भगवान के नाम में है। गीता में भगवान बताया है 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, है ना। तो भगवान क्या करेंगे अगर ऐसा हम करेंगे? तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मुक्षिष्यामि मां शुचि, मैं आपके सभी बेड कर्म, पाप कर्म को नष्ट कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, तो जरूर से जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, ध्यान पूर्वक भगवान को समर्पण करेंगे, तो भगवान आपके सभी पाप कर्म, बेड कर्म को या उसके फलों को नष्ट कर देंगे। Amazing. और भगवान लास्ट में जरूर बोलते हैं माँ सुचा, इसका मतलब है घबराओ मत कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि हम घबराएंगे कि सिर्फ भगवान का नाम लेने से मेरे बुरे कर्म कैसे खत्म हो जाएंगे। और भगवान ने बोला है, तुम अगर मेरी शरण में आ गए हो तो घबराओ मत, तो घबराना बंद कीजिए, बस भगवान का नाम लीजिए, आपके सारे कर्मों का हिसाब भगवान देख लेंगे, आप सिर्फ भक्ति पे फोकस कीजिए। तो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अजय विश्वकर्मा जी की तरफ से। पूछते हैं कि मुक्ति किसकी होती है, आत्मा की या जीव या मन की? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, जो जीव और आत्मा जो है, चेतना है, ये सब एक ही टर्म्स हैं, जीव आत्मा चेतना। और जो मन है वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। तो जब भगवान मुक्ति की बात करते हैं तो भगवान इस आत्मा को भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर से मुक्त करके अपने धाम ले जाते हैं, जहाँ से फिर जन्म और मृत्यु नहीं होता। जब जन्म नहीं होता तो आपको ना इस स्थूल शरीर मिलेगा, ना ही आपको सूक्ष्म शरीर मिलेगा। तो आत्मा की मुक्ति हो जाती है, आत्मा मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार से एक पिंजरे में से एक पोपट उड़ता है ना, वो मुक्त हो जाता है, उसी तरह ये शरीर एक पिंजरा है और आत्मा जो है वो एक पोपट के समान है ना। तो
वो पोपट की और आत्मा की मुक्ति की कहीं जा सकती है। Amazing. तो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, राम निवास प्रजापत जी की तरफ से। मन में कामुक विचार आए तो क्या करें, क्योंकि मुझे डेली बस में सफर करना होता है जॉब के लिए, बस में बहुत गर्ल्स होती हैं। काम वासना से अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको तपस्या का पालन करना पड़ेगा। आपकी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए आपको तपस्या का पालन करना पड़ेगा। जब आपकी तपस्या बढ़ेगी तो धीरे धीरे आप आपकी इंद्रियों को कंट्रोल में कर पाएंगे। तपस्या का मतलब क्या है? हम जो भी खाते हैं भगवान को भोग लगा के प्रसाद ही खाएं, है ना। नॉन वेज, मांस, मटन, इंडा, आमलेट ये सब नहीं खाना चाहिए, ओनियन गार्लिक, ये सब हमारी इंद्रियों को उत्तेजित करती है और हमें जुआ, नशा ये सब चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए और भगवान के नाम का हमें सतत जाप करना चाहिए। प्रैक्टिकली जब आप बस में जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो आप ऐसी झोली रखिए आपके पास, उसमें हाथ डालिए और भगवान का नाम का स्मरण कीजिए। प्रैक्टिकली आप भगवान के नाम का कीर्तन सुन सकते हैं बस के अंदर, आप भगवद गीता जैसी किताब रख के उसको पढ़ सकते हैं, तो इमीडिएटली आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। क्योंकि आप अगर माला कर रहे हैं तो आपका ध्यान भगवान के अंदर है, तो कहीं और आपका ध्यान भटकेगा नहीं। और इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने के बाद धीरे धीरे आपकी कामेच्छा दूर हो जाएंगी, है ना। बहुत सिंपल नियम है, आपकी जो इंद्रिया है अगर वो, मैंने बताया, कृष्ण की सेवा में नहीं लगेगी तो माया की सेवा में तो लगने ही वाली है। तो इट्स वेरी सिंपल कि कृष्ण के अंदर आपका मन लगा दीजिए तो इधर उधर भटकेगा नहीं। एक बहुत अच्छा रूल कहते हैं इसे, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो जो आप अंदर डालेंगे वही बाहर आएगा। वो आप खाने के माध्यम से डालिए, देखने के माध्यम से डालिए, सुनने के माध्यम से डालिए, आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं जो उनको इनपुट मिलेगा वही आउटपुट बाहर आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रभु जी ने बताया कि आप अपने जीवन में जितना कीर्तन सुनेंगे, भगवान का नाम जपेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, इंस्टाग्राम इत्यादि सोशल मीडिया चीजों से दूर रहेंगे, उतने ही आपके कामुक विचार कम हो जाएंगे, कंट्रोल में आ जाएंगे। जितना आपका सत्व गुण बढ़ेगा उतना आपका तमस गुण कम होता जाएगा और आप अपने जीवन में इस चीज़ को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि आपको यही देखना है कि क्या आपके जीवन में कहीं वो गार्बेज इनपुट ज्यादा तो नहीं है जिसके वजह से आउटपुट ज्यादा आ रहा है। तो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है संदीप बी पाटिल जी की तरफ से। पूछते हैं कि हमें भक्ति में अपनी दृढ़ता कैसे मजबूत करनी चाहिए जिससे गुरु प्रसन्न हो। गुरु की आज्ञा का पालन करके, जब आप गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तो गुरु प्रसन्न भी होते हैं और उनकी कृपा से हम भक्ति में आगे भी बढ़ते हैं। यश प्रसादा भगवत प्रसादो, यश प्रसादा न गति कुतोपी, है कि नहीं। और जैसे हमने बताया हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करने से ही दृढ़ संकल्प शक्ति बढ़ती है। उसके अलावा कोई उपाय नहीं है, नहीं है और नहीं है। इसलिए ये हरि नाम संकीर्तन को प्रमोट किया जाए, महाप्रभु ने इसको प्रोपोगेट किया है। क्यों? कि जब हम जब करते हैं ना तो कभी कभी ध्यान इधर उधर जाता है, मन भागता है, लेकिन आप देखेंगे जब आप कीर्तन करेंगे और भक्तों के संग में कीर्तन करेंगे, नाचेंगे कूदेंगे, हरिनाम संकीर्तन करेंगे ना, तो क्या होगा, आपका ध्यान हमेशा मंत्र के अंदर ही रहेगा।
तो वो ज्यादा इफेक्ट करता है संकीर्तन हमें, इसलिए हमें संकीर्तन में ज्यादा जुड़ना चाहिए, स्ट्रीट संकीर्तन में बाहर जाना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, भक्तों का नाम, भक्तों के साथ में रह के भगवान का नाम लेना चाहिए। एकाकी अमर नहीं बल हरि नाम संकीर्तन, भक्तिविनोद ठाकुर बोले अकेले हम नहीं कर पाएंगे, तो भक्तों के साथ भगवान का नाम जप आपका दृढ़ संकल्प शक्ति को बढ़ाता है और गुरु की आज्ञा का पालन करके ही आप गुरु को प्रसन्न कर सकते हो। और गुरु की आज्ञा का पालन यथा रूप होना चाहिए, एज इट इज होना चाहिए। अमेजिंग। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। कल एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट दिन है, बस एक दिन रह गया है जो कि है नरसिंह चतुर्दशी का दिन। तो इस दिन नरसिंह भगवान आप सबके जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी संकट है, जितने भी आपके ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको हटाने में आपकी मदद करें। इसके लिए हरे कृष्णा टीवी द्वारा एक नरसिंह चतुर्दशी की स्पेशल अर्चना का आयोजन हो रहा है, जिसमें कि नरसिंह भगवान को 108 तुलसी ऑफर की जाएंगी। आप इसमें भाग लेने के लिए अपना नाम स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर के ऊपर दे सकते हैं, उस लिंक पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं ताकि आप इस अर्चना का फायदा उठा सकें। और नेक्स्ट अनाउंसमेंट में ये करना चाहूँगा कि प्रभुजी आपको हम हरे कृष्णा टीवी की तरफ से एक सुंदर गिफ्ट देना चाहेंगे, एक सुंदर मैं अपनी टीम से विनती करूँगा कि वो स्क्रीन पे फ्लैश करें। हम अपनी तरफ से आपको हमारे एक बहुत ही सुंदर राधा रानी जी का, श्री राधे का एक कुशन है जो हम आपको भेजना चाहेंगे, और ये स्क्रीन पे आ रहा है सरल होम जी की तरफ से। सरल होम ये आपके घर पे पहुंचाएगा और आपके वातावरण को और भक्तिमय बनाएगा। सो प्रभु जी थैंक यू सो मच, आज आप हमारे इस शो में आए और आपने इतना समय निकाला। मैं चाहूंगा कि जाने से पहले आप हमारे दर्शकों को आखिरी प्रेरणादायक संदेश क्या देना चाहेंगे। मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि कृष्ण के अंदर, भगवान के अंदर श्रद्धा रख के जल्दी से जल्दी हमें भगवान को पूर्ण समर्पण कर लेना चाहिए। यही हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है और यही हमारे मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। तो हमारा जीवन उस प्रकार से प्लान करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम कृष्ण को समर्पण कर सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने अपने जीवन के इतने सारे प्रेरणा से आज हमारे दर्शकों को एक नई प्रेरणा दी है आगे भक्ति में आगे बढ़ने की और जल्द से जल्द अपने जीवन में वो गोल बनाने की जो अपने जीवन को भक्ति में समर्पित कर सके। थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग अस टुडे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। थैंक यू। तो दर्शकों आज हमने जाना कि हम ये जो हमेशा इस रेस में लगे रहते हैं कि हम कितना पैसा कमाएंगे, कितना हम अपने जीवन में क्या कितनी सफलता पाएंगे, इसका कोई अंत नहीं है। बट अगर हम यही चीज भगवान के लिए एक गोल की तरह, एक लक्ष्य की तरह अपने जीवन में बनाए तो भगवान हमें जरूर मदद करते हैं उस लक्ष्य पे पहुंचने के लिए, ताकि हम अपने जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त करके अपने जीवन को समर्पित कर सके। तो मैं आशा करता हूं कि आज आपको इस शो से एक प्रेरणा मिली होगी। अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हैं तो आप अपने जीवन में भक्ति की शुरुआत करेंगे भगवान के नाम से, अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो और दृढ़ निश्चय से भक्ति करेंगे। तो आज के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा, हम मिलेंगे अगली बार एक और नई कहानी के साथ, एक और नए भक्त के साथ, एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ। Thank you so much for joining us today and thank you so much for being such a wonderful audience. Hare Krishna.